हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस शानदार डिफेंस वाला यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और बेटा आज से हम लोग अपनी एनडीए 2 ऑफ 2021 की प्रिपरेशन को शुरू करेंगे। तो मैं आज आपको थोड़ा सा ब्रीफ आउटले भी दूंगा किस तरीके से सवाल जो है वो एनडीए में पूछे जाते हैं, क्योंकि पेपर यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है तो आपको एक टेस्ट, एक आइडिया मिलना चाहिए कि सवाल किस तरीके से आते हैं। देखिए, मैं आपके साथ करंट अफेयर्स को डिस्कस करूंगा और करंट अफेयर्स में जो सवाल आते हैं ना बेटा, वो ऐसा नहीं होता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे कोई प्लेस इन न्यूज या पर्सन इन न्यूज पूछा, रादर देन यूपीएससी जो है वो थोड़ा सा स्टेटमेंट फॉर्मेट में जाके आपको क्वेश्चंस का आंसर ढूंढता है, आपसे मांगता है। मैं आपको उस तरह के क्वेश्चंस करवाऊंगा। दूसरा बात यह है कि आपका एग्जाम जैसे कि फिलहाल नवंबर में स्केड्यूल्ड है, तो करंट अफेयर्स की बात करें तो पिछले 8 महीने के आसपास के करंट अफेयर्स आपको यहां पर अच्छे से आने चाहिए, 1 साल से लेकर 8 महीने के आसपास। तो जो हमारा यहां पर जो फास्ट ट्रैक कोर्स है, इसमें मैं आपके साथ कोशिश करूंगा कि हर वीक आपको 2 दिन सामने आपके आऊं और करंट अफेयर्स में जो भी एक तो वीक का एंटायर जो चलेगा उसको मैं कवर करता जाऊं और पास्ट की जो चीजें हैं वो करंट अफेयर्स भी आपके साथ डील कर दूं। ठीक है बेटा, तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपके सामने जो क्लास लेके आया हूं उसमें मैं आपको आज जुलाई के करंट अफेयर्स के बारे में डिटेलिंग करूंगा, ठीक है। और जैसे कि हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो हो सकता है जुलाई का रिमेनिंग पोर्शन मैं आपको पढ़ाऊंगा, और अब जो यहां से आपको तैयारी करनी है अगस्त का करंट अफेयर्स भी और सितंबर का करंट अफेयर्स भी आपके एग्जाम के एंगल से इंपॉर्टेंट होगा। तो अब जैसे आगे क्लासेस चलेंगी तो मैं आपको सितंबर और अक्टूबर का तो कराता ही रहूंगा और पीछे वाले करंट अफेयर्स जो अभी तक आपने नहीं किए हैं उनको भी आपके साथ टेकअप करूंगा, ठीक है। छूटेगा कुछ नहीं, सब कुछ करेंगे। तो देखिए शुरू करेंगे करंट अफेयर्स की। बेटा किस कैटेगरी में, बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा जहां से आपको कुछ नहीं तो 8-10 सवाल जीएस के अंदर मिलेंगे, ठीक है। सारे सेक्शंस को ऐसे ही लगभग मिलते रहेंगे आपको, 8-10 सवाल आपको हर जीएस के पोर्शन से मिलेंगे। तो करंट अफेयर्स की कैटेगरी के लिए मैं आपको इतनी कैटेगरी में करंट अफेयर्स को डिवाइड किया है कि या तो करंट अफेयर्स आपका वो पॉलिटी से रिलेटेड होगा, इकोनॉमी से होगा, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, डिफेंस एंड सिक्योरिटी हो गया, बेटा गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, ठीक है, इस तरह से और भी चीजें आती है, मिसलिनियस हो गया, आर्ट एंड कल्चर, कुछ हिस्टोरिकल चीज अगर न्यूज में आती है तो इन सब चीजों को मैं आपको डिस्कस करूंगा। कारण यह है, देखिए मैं आपको बताता हूं क्या ऐसा क्लासिफिकेशन करने का रीजन क्या है। देखिए यूपीएससी का एक तरीका होता है बेटा कि अगर कोई चीज फॉर एग्जाम्पल न्यूज में आती है तो अगर वो एग्जाम यूपीएससी का नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वो एग्जाम एसएससी द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है, तो वहां आपसे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछी जाती है, आपसे कुछ फैक्ट्स को डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा। लेकिन यूपीएससी का तरीका क्या है कि जो चीज न्यूज में होती है उससे जो रिलेटेड चीजें होती है ना वो आपसे पूछेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा पॉलिटी के अंदर, एक न्यूज आपको डिस्कस कराऊंगा कि रिसेंटली प्रेसिडेंट ने गवर्नर्स अपॉइंट किए थे। तो देखिए ये तो करंट अफेयर्स में हो गया कि गवर्नर अपॉइंट हुआ, अगर एसएससी में एग्जाम आएगा क्वेश्चन होगा तो पूछ सकता है कि कौन सा इनमें से रिसेंटली अपॉइंटेड गवर्नर है। लेकिन यूपीएससी के एग्जाम में अगर आप एनडीए में पढ़ेंगे तो हो सकता है वो गवर्नर का नाम ना पूछे, लेकिन आपके पॉलिटी, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या प्रोविजन दिए गए हैं गवर्नर के अपॉइंटमेंट पे, उसको लेकर सवाल पूछ सकता है। इस तरह से मैं आपको बाकी चीजें भी डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा, इस पे हम लोग आगे सब चीजें डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स से हम लोग आज शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए आप सामने अपने देख पा रहे हैं एक ये न्यूज है इंडियन एक्सप्रेस में। मैं आपको जो भी करंट अफेयर्स यहां पर लेके आऊंगा वो आपको किस इसी तरह के अखबारों में से मैं क्लिपिंग्स निकाल के लाऊंगा। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर है, देखिए आपके लिए कुछ न्यूज़पेपर्स अगर आप करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं बेटा तो इंपॉर्टेंट होगा, जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस हो गया, जैसे कि द हिंदू हो गया, बिजनेस स्टैंडर्ड हो गया। यूपीएससी क्या करता है, इन अखबारों के इर्द गिर्द घूमता है, वो अपने करंट अफेयर्स या जो भी पेपर बनाता है वो इन अखबारों से ही उठाता है। वैसे करंट अफेयर्स सब अखबार में आएगा, ऑब्वियसली बात है, लेकिन मैं आपको ये साथ में लेके आ रहा हूं ताकि दिखाने के लिए कि ये चीज कब और कहां किस अखबार में न्यूज में आई थी, तो उसका रेफरेंस आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये कुछ भी हम नहीं पढ़ रहे हैं, आई एम ऑल्सो टेलिंग यू कि क्या चीज हमें कहां से पढ़ना है। तो देखिए यहां पर एक न्यूज छपी थी महाराष्ट्र को लेकर कि ब्लैक लेपर्ड साइटेड इन नवगांव नगजीरा रिजर्व। तो देखिए ये आपका जो न्यूज आइटम है इट इज फ्रॉम एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफी,
ठीक है। तो यहां पर मेरा जो ऑब्जेक्टिव जो तरीका होगा पढ़ाने का, हम ज्यादा कवरेज कैसे करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ इतना करंट अफेयर्स ना देख के हम ये भी देखेंगे कि उसके साथ साथ और क्या क्या फैक्ट्स हैं, क्योंकि यूपीएससी आपको इससे रिलेटेड फैक्ट्स पूछ सकेगा एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। यहां पर एक ब्लैक लेपर्ड है बेटा, जिसको रिसेंटली इस नवगांव नगजीरा रिजर्व में साइट किया गया है। तो अगर आपसे एमसीक्यू पूछना हो गया, करंट अफेयर्स में पूछेगा, तो हो सकता है डायरेक्टली पूछ ले आपसे एग्जाम में करंट अफेयर्स में कि नवगांव नगजीरा रिजर्व किस स्टेट में लोकेटेड है, ठीक है, ये पूछ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, तो आंसर हो जाएगा इसका। हम चूंकि हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं तो आंसर इज महाराष्ट्र, ठीक है ना, ये महाराष्ट्र में लाई करता है। अब देखिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहां पर हुआ क्या है कि एक बहुत ही रेयर मेलेनिस्टिक लेपर्ड जो है वो साइट किया गया, वो देखा गया था इस नवगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व के अंदर। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग NNTR कहते हैं, ठीक है। ये जो नवगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व है बेटा, ये आपको महाराष्ट्र के अंदर मिलेगा, ठीक है। और एक खास बात जो मैं आपको बताऊं इस लेपर्ड के बारे में, ये लेपर्ड बहुत ही ना शाही किस्म का जानवर होता है, बहुत ही शर्मीला होता है, इसीलिए आप इस लेपर्ड को जल्दी से स्पॉट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये छुपा रहता है, ठीक है। तो अभी रिसेंटली उसको यहां स्पॉट किया गया, तो अपने आप में यूपीएससी के लिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि इस लेपर्ड के बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको, और जहां ये मिला है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। देखिए तो आज के टाइम में एनवायरमेंट को लेकर काफी ज्यादा हाइप भी है, एनवायरमेंट क्लाइमेट इन सब चीजों पे काफी ज्यादा अवेयरनेस बढ़ रही है, इसलिए यूपीएससी भी इन पोर्शंस पे फोकस बहुत करने लगा है, ठीक है। तो चलिए यहां पर देखिए कि ये जो लेपर्ड्स है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन यहां लिखी है मैंने, और वो ये कि ये ज्यादातर डार्क कलर के होते हैं, या पूरी तरह ब्लैक कलर के दिखेंगे, या फिर ये बहुत ही डार्क कलर के होते हैं। और जो रीजन है इनके फुल्ली ब्लैक कलर के होने का या डार्क कलर के होने का, वो है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट जिसको हम बोलते हैं मेलानिन, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं यहां पर ये चीज लिखी हुई है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं मेलानिन, ये मेलानिन पिगमेंट जो होता है वो उसके स्किन को और उसके फर को एक ब्लैक कलर का यहां पर टेक्सचर देता है, ठीक है। इसी वजह से यहां देखिए अ वेरी रेयर मेलानिस्टिक लेपर्ड, जब भी मेलानिस्टिक वर्ड आ रहा है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वो ब्लैक को रेफर कर रहा है। ब्लैक पिगमेंट इज बिकॉज ऑफ पिगमेंट जो होता है, ब्लैक कलर है, इट इज बिकॉज ऑफ द पिगमेंट मेलानिन, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि दीज लेपर्ड्स, आप देखिए यहां लिखा हुआ है, ये इधर या तो फुल्ली ब्लैक कलर के होते हैं या फिर वो वेरी वेरी डार्क इन कलर होते हैं, ठीक है। एंड द रीजन इज मेलानिन, ठीक है ना। एक बार मैं आपको इसका पिक्चर दिखा देता हूं, ये आप देख सकते हैं, इस पिक्चर को मैंने यहां पर द ट्रिब्यून अखबार से लिया हुआ है, सोर्स उसी का है। ये है आपका वो रेयर मेलानिस्टिक लेपर्ड जो कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ठीक है ना। आप देखिए किस तरह से इसका ब्लैक कलर का स्किन है और कैसे इसमें यहां पर ऐसे आपको स्पॉट्स देखने को मिल रहे हैं। तो दिस ब्लैक कलर इट इज एब्सोल्युटली बिकॉज ऑफ द पिगमेंट मेलानिन, ठीक है। अब ये जो ऐसे मैंने आपको कहा ये बड़ा शाय जानवर होता है, अब ये जानवर जो है ये इसको हर जानवर के हर स्पीशीज की बात करें तो हर स्पीशी को प्रोटेक्शन करना यहां जरूरी होता है अगर वो इंडिया अगर वो खतरे के निशान पे है। तो यहां पर क्या होता है बेटा कि देखिए हम यहां पर प्रोटेक्शन स्टेटस भी जानवर का जानना जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी जो है वो आपको इस चीज पे सवाल पूछता है कि ये जानवर किस कैटेगरी में फॉल करता है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं IUCN, आई होप आपने इसका नाम सुना होगा, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, ये बोलते हैं इसको इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये है एक बॉडी, ठीक है, और ये क्या करता है, ये स्पीशीज को बेटा क्लासिफाई करता है कि वो कितने डेंजर लेवल पे हैं इस वक्त, ठीक है। तो जैसे कि आपने ये सब चीजें अपने एनवायरमेंटल स्टडीज में पढ़ी होंगी पहले, ठीक है, यहां पर जैसे बहुत सारी कैटेगरी होती हैं, एक होता है नियर थ्रेटेंड, ठीक है, एक होता है नियर थ्रेटेंड, और कैटेगरी आप देखेंगे तो नीचे आएंगे वहां पर आपको मिलेगा वल्नरेबल, इसके अलावा आपको बेटा मिलेगा जैसे कि इंडेंजर्ड, है ना, इसके अलावा आपको मिलेगा क्रिटिकली इंडेंजर्ड, CE लिख रहा हूं उसको मैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इस तरह की स्पीशीज है। तो ये आपको शो कर रहा है लेवल ऑफ डेंजर टू दैट पर्टिकुलर स्पीशी, उस पर्टिकुलर स्पीशी को कितना डेंजर है, ठीक है। तो अगर हम IUCN की बात करें, आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है एक स्टेटमेंट देके कि जो मेलानिस्टिक लेपर्ड है वो IUCN की किस कैटेगरी में फॉल करता है, उसका क्या IUCN स्टेटस है।
तो ये IUCN की जो रेड लिस्ट है, ये एक लिस्ट है, उसमें यहां पर इसका स्टेटस वल्नरेबल है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर याद रखिएगा, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो हो गया IUCN के बारे में बात, जो एक इंटरनेशनल बॉडी है। लेकिन अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो हमारे देश में भी एक यहां पर कानून चलता है जिसको बोलते हैं हम लोग वाइल्ड लाइफ, देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। अब इस एक्ट के अंदर ये जो कानून है इसमें कुछ स्केड्यूल्स भी होते हैं। तो इसमें जो स्केड्यूल नंबर 1 है वो बेसिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज की प्रोटेक्शन की बात करता है। ठीक है, और अगर आप उनके प्रोटेक्शन का यहां पर कुछ वायलेशन करते हैं, लॉ का हनन होता है, तो बहुत ही स्ट्रिक्ट पेनल्टीज जो है वो आपके ऊपर लगाई जा सकती है। तो देखिए, ये जो स्पीशी है जो हमको लेपर्ड मिला है, इसको हमारे देश के अंदर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में स्केड्यूल नंबर 1 के अंदर रखा गया है। ठीक है, ये भी आपको बेटा यहां पर याद रखना है, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन भी दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमको सवाल को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब जरा ये बात करते हैं, ये तो हो गई लेपर्ड की बात, अब जरा कुछ फैक्ट हो सकता हो आपसे, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ ले नवगांव, नवेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व के बारे में। देखिए, करंट अफेयर्स में आपसे पूछ लेगा, आपको लगेगा ये क्वेश्चन क्यों आ गया, अरे वो न्यूज में था इसलिए आया। ठीक है, हो सकता है वो नवगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व पे क्वेश्चन पूछ ले, हो सकता है वो उस जानवर पे क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे ही पूछ सकता है करंट अफेयर्स में, चूंकि बना था। तो ये जो टाइगर रिजर्व है ये स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में लाई करता है, और ये फिफ्थ टाइगर रिजर्व है। टोटल टाइगर रिजर्व जो महाराष्ट्र के अंदर है वो 6 है बेटा, और ये जो टाइगर रिजर्व था ये फिफ्थ टाइगर रिजर्व है। 2013 में जो है इंडिया का 46 टाइगर रिजर्व बना था। देखिए, 46 टाइगर रिजर्व था ये इंडिया का 2013 में। मैं आपको बता दूं बेटा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हो सकता है आपको ना पता हो, हमारे देश का 50th टाइगर रिजर्व जो रहा है, 50th, वो था कमलांग। ठीक है, वो था कमलांग टाइगर रिजर्व, ये भी याद रखिएगा, कमलांग टाइगर रिजर्व ये आपको मिलेगा अरुणाचल में। कहां मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश में आपको ये लाई करेगा। तो आपसे ये क्वेश्चन भी हो सकता है। ठीक है, अभी हमारे सवाल आ सकता है कि हमारे यहां अभी कितने टाइगर रिजर्व है, ये क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं। तो टोटल इंडिया में बेटा अभी 52 टाइगर रिजर्व है। 52nd टाइगर रिजर्व अभी रिसेंटली यहां पर रामगढ़ विश्वधारी टाइगर रिजर्व बनाया गया है। एक राजस्थान में रामगढ़ विश्वधारी सेंचुरी है, वहां पर एक रामगढ़ विश्वधारी टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है। तो क्या नाम हो गया उसका? उसका नाम है रामगढ़ विश्वधारी टाइगर रिजर्व। ये कहां पर है बेटा? ये है बेटा राजस्थान में। कहां पर है? राजस्थान में। तो आपसे देखिए, मैंने सब चीजें यहां डिस्कस करी, नॉट ओनली ये टाइगर रिजर्व जो न्यूज में था, बल्कि हमने ये भी डिस्कस किया कि इंडिया का 50th कौन सा था, क्योंकि ये 46 है तो ऑब्वियसली 50th एक हाफ सेंचुरी हो रही है, तो इस पे सवाल पूछ सकता है। साथ में यहां पर देखिए 52nd पूछ सकता है, क्योंकि ये हमारा लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है। ये बेटा हमारा लेटेस्ट टाइगर रिजर्व, रिसेंटली यहां पर ये डिक्लेयर किया गया है। ठीक है ना, तो ये जो आप नवगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व देख रहे हैं, ये हमारे और जो टाइगर रिजर्व्स हैं अगल बगल के, उनसे भी यहां पर ये अच्छी कनेक्टिविटी बनाता है। जैसे कि कान्हा पेच टाइगर रिजर्व कॉरिडोर हो जाता है। ठीक है, आप देखेंगे ताडोबा, यहां पर आपको मिलेगा ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व हो गया, इंद्रावती टाइगर रिजर्व हो गया। तो ये सब टाइगर रिजर्व के साथ इनकी अच्छी कनेक्टिविटी है। तो उससे होता क्या है कि अगर इस तरह के टाइगर रिजर्व आसपास होते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में टाइगर रिजर्व की कनेक्टिविटी कॉरिडोर बने रहते हैं, तो इन जानवरों को दिक्कत नहीं होती है, इनका हैबिटेट इक्वली प्रोटेक्ट रहता है। ठीक है ना, अब देखिए मैं आपको दिखा देता हूं एग्जैक्टली, आप देखिए अगर यहां पर, तो भैया ये आप देख सकते हैं, दिस इज नगजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। होपफुली आपको यहां पर ये लोकेट, थोड़ा ब्राइटनेस ज्यादा होगी तो आप जब PDF देखिएगा तो वहां मिल जाएगा, मैं पेन से आपको बना देता हूं। और यहां पर आप जो नीचे देख रहे हैं, ये वाला जो एरिया आप देखेंगे, वेरी वेरी नियर टू दिस, यहां पर आपको मिलेगा, इस पर्टिकुलर जगह आपको मिलेगा यही नवगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व मिलेगा। ठीक है, और आप देखिए ऊपर आप चले जाएंगे तो यहां पर आपको मिल रहा है, ये है पेच नेशनल टाइगर रिजर्व। ठीक है ना, ये है हमारा पेच नेशनल टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो देखिए इसकी कनेक्टिविटी यहां से बनी हुई है। ठीक है, आप अगर यहां पर नीचे आएंगे तो देखिए, थोड़ा नीचे आए तो यहां पर आपको मिल रहा है इंद्रावती टाइगर रिजर्व। तो इंद्रावती कहां लाई कर रहा है बेटा? ये आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ के अंदर। ठीक है ना, ये आपको यहां मिल रहा है, और देखिए ये आपको दिख रहा है, ये आपका NNTR हो गया। ठीक है ना, तो ये आपको एक लोकेशन वाइज थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया होना चाहिए कि कौन सा चीज कहां लाई कर रहा है, ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है ना,
आगे देखिए, मैं थोड़ा सा आपको और यहां अच्छे से बता देता हूं। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये है नवगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व, ठीक है। ऊपर आप देखेंगे तो ये पेंच, ये मध्य प्रदेश और ये पेंच महाराष्ट्र का, जो ये पेंच कॉरिडोर है ना, पूरा मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र ऐसे एक्सटेंड होता है, ठीक है। नीचे आप देखेंगे तो यहां आपको आपको टाडोबा अंधेरी अंधेरी टाइगर रिजर्व मिलेगा, ठीक है। और थोड़ा इधर चले जाएंगे तो यहां पर आपको इंद्रावती टाइगर रिजर्व मिल जाएगा। तो देखिए किस तरह से ये टाइगर रिजर्व एनएनटीआर जो है वो कई सारे टाइगर रिजर्व से घिरा हुआ है। समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक लिस्ट ऑफ टाइगर रिजर्व्स है, आप इसको यहां पर फिगर आउट कर सकते हैं, इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपका देखिए मेलघाट हो गया, टाडोबा हो गया, पेंच हो गया, साहिद्री हो गया, बोरा हो गया, बोर टाइगर रिजर्व हो गया, नवगांव के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो आपसे ऐसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व जो है वो महाराष्ट्र में लाई नहीं करता है। तो हो सकता है आपको यहां तीन ऑप्शन दे दे इसके, और एक कोई दूसरा दे दे जो आपको पता होना चाहिए कि वो यहां पर लाई नहीं करता, क्योंकि छह तो याद हो जाएंगे कि ये तो महाराष्ट्र में है, क्योंकि न्यूज में आया है बेटा, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, इस क्वेश्चन को देखिए, अटेम्प्ट करिए, वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ वेरी रेयर मेलेनिस्टिक लेपर्ड वाज स्पॉटेड इन नवगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, देखो बेटा एग्जाम में यूपीएससी आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। इन कॉन्टेक्स्ट टू दीज लेपर्ड्स, इन लेपर्ड्स के हिसाब से कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट देखिए क्या क्या है। पहला देखिए, द मेलेनिन पिगमेंट गिव्स द लेपर्ड स्किन अ वाइट स्काइनी लस्टर। व्हाइट शाइनी लेस्टर देता है? नहीं नहीं यार, व्हाइट तो नहीं देता है। मैंने कहा था कि अगर मेलेनिन है, अगर मेलेनिन पिगमेंट है तो व्हाइट नहीं देगा बेटा, वो आपको क्या देगा, वो आपको ब्लैक स्ट्रक्चर लस्टर देने वाला है। लस्टर मतलब होता है चमक, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। इट इज क्लासिफाइड एज इंडेंजर्ड स्पीशी। क्या ये इंडेंजर्ड स्पीशी है अंडर द IUCN रेड लिस्ट? नहीं भाई, मैंने आपको बताया कि क्या है, दिखाया था मैंने, ये वल्नरेबल है। तो इसका मतलब दो, यहां पर सवाल क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट पूछा है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर गलत है बेटा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, नीदर ए नॉर बी, ठीक है। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर आपको एक न्यूज और दिख रही है, और वो न्यूज आप पढ़ सकते हैं यहां पर इंटरनेशनल रिलेशन के कॉलम में पढ़ेंगे इसको हम लोग, कि इंडिया यहां पर कहा है, हमारे जो यहां पर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है बेटा, उन्होंने ये कहा, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने ये कहा, जो जयशंकर जी हैं, उन्होंने कहा कि जो इंडिया अफ्रीका के अंदर जाके अपने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लगाएगा तो वो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जो हैं वो हमारे कंपाला प्रिंसिपल से रेगुलेट किए जाएंगे। कौन से प्रिंसिपल बोले मैंने? मैंने बोला आपको कंपाला प्रिंसिपल। तो बात ये आती है कि यूपीएससी आपसे पूछेगा कि ये कंपाला प्रिंसिपल क्या होते हैं, ये सवाल सीधे सीधे यूपीएससी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो यहां पर समझना है कि ये कंपाला एक्चुअली है क्या। चलिए इस पर्टिकुलर चीज को डिस्कस करते हैं। साफ साफ आप न्यूज हेडलाइन तो पढ़ ही सकते हैं, मैंने आपको ब्रीफ कर दिया कि यहां पर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा था कि जब इंडिया अपने अफ्रीका में जाके प्रोजेक्ट्स करेगा, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लगाएगा, तो वो कंपाला प्रिंसिपल से यहां पर रेगुलेट होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं। देखिए यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट से मैंने न्यूज निकाली है बेटा। यहां क्या हुआ था मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि एक कॉन्क्लेव हुआ था, एक मीटिंग हुई थी, ये आप देख सकते हैं, CII और एग्जिम बैंक की। CII क्या होता है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। CII क्या होता है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज होता है बेटा, ठीक है। ये और एक यहां लिखा हुआ है एग्जिम बैंक, ये कौन सा बैंक है? एग्जिम बैंक बेसिकली होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, इसी का बना हुआ है ये एग्जिम बैंक, ठीक है। तो इन दोनों की यहां पर एक 16th मीटिंग हुई थी, कॉन्क्लेव हुआ था। इस कॉन्क्लेव में यहां पर इस चीज पे हाईलाइट किया गया था कि भारत जो है वो अफ्रीका में कंपाला प्रिंसिपल से अपने यहां पर प्रोडक्शन डेवलपमेंट को करेगा, ठीक है, डेवलपमेंट इस तरह से करेगा, ठीक है। तो वही चीज पे बात हुई थी कि 16th CII एग्जिम बैंक कॉन्क्लेव जो हुआ था वो इंडिया अफ्रीका प्रोजेक्ट पार्टनरशिप पे हुआ था। तो भैया इंडिया अफ्रीका प्रोजेक्ट पार्टनरशिप मतलब इंडिया अफ्रीका के कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे, उसे पार्टनरशिप हो रही है, उसमें इंडिया जो है वो अफ्रीका के कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करेगा, और यहां पर हमारे जो मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि वी विल फॉलो कंपाला प्रिंसिपल। चलिए अब देखते हैं कंपाला एक्चुअली है क्या। ये मैंने अगेन OECD की वेबसाइट, ये वेबसाइट का लिंक था, मैंने इसी वेबसाइट से जाके कंपाला प्रिंसिपल्स की इस ब्रोशर को डाउनलोड किया। देखते हैं यहां कंपाला प्रिंसिपल्स हैं क्या। बेटा ये जो पांच आप देख रहे हैं ये है आपके कंपाला प्रिंसिपल्स। इसमें ये कहा गया है, प्रिंसिपल नंबर 1 ये कहता है कि हम इंक्लूसिव कंट्री की ओनरशिप होनी चाहिए। मतलब देखिए स्ट्रेंथनिंग कोऑर्डिनेशन, मतलब ये है
कि देशों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जैसे कि ये आप देख रहे हैं डायग्राम जो बता रहा है कि दो कंट्री एक साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करके काम करेंगे, ठीक है। दूसरा प्रिंसिपल है एकदम ऑन स्पॉट हम यहां पर टारगेट को हिट करेंगे, ये हमारा कोशिश होगा। रिजल्ट्स एंड टारगेटेड इंपैक्ट होना चाहिए, हम जो भी प्रोजेक्ट पे काम करें, जो भी डेवलपमेंट करें उसमें यहां पर इस तरह से टारगेट ओरिएंटेड यहां पर काम करना है। दूसरा देखिए उसने कहा इंक्लूसिव पार्टनरशिप, मतलब हम लोग मिलकर इंक्लूसिव हर सेक्टर को, हर यहां पर चीजों को इंक्लूड करके अपना यहां पर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ाएंगे। प्रिंसिपल फोर कहता है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, हम यहां पर देखिए यहां लगा हुआ है एक मैग्नीफायर, मतलब हर चीज पे एक ट्रांसपेरेंसी होगी, अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही होगी कि जो काम हो रहा है वो एकदम ट्रांसपेरेंट हो, एकदम सब सबके नजरों के सामने हो, कोई घुसखोरी इस तरह की चीजें ना हो पाए उस पर ध्यान दिया जाएगा। और प्रिंसिपल नंबर 5 कह रहा है लीव नो वन बिहाइंड, मतलब हम यहां पर किसी दूसरे कंट्री को ऐसा नहीं है बिहाइंड छोड़ देंगे, बाकी सबका यहां पर डेवलपमेंट होता जाएगा। तो ये है कंपाला प्रिंसिपल्स। बात ये आती है कि आप सोच रहे होगे सर ये कंपाला है क्या, आप कंपाला के प्रिंसिपल बता दिए, आपने बता दिया कि मीटिंग कौन सी हुई, पर ये कंपाला एक्चुअली है क्या? तो बेटा देखो कंपाला के बारे में तुमको बता रहा हूं, ये तुम देख पा रहे हो थोड़ा सा, अगर तुमको यहां पर ये लग रहा है ब्राइटनेस ज्यादा कोई बात नहीं, पीडीएफ तुमको देख लेना। पीडीएफ तुमको कहां मिलेगा, तुम जाना फिजिक्स वाला के ऐप पे, वहां तुम्हें शक्ति बैच मिल जाएगा। शक्ति बैच पर जाओगे, बाय नाउ पे क्लिक करना, पैसे नहीं देने पड़ेंगे, डायरेक्टली सब्सक्राइब हो जाएगा अपने आप, वहां पर आपको क्लास नोट्स में ये पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो यार ये जो अफ्रीका का आपको कॉन्टिनेंट दिख रहा है, ठीक है, अब देखो ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट में थोड़ा सा यहां पर इस एरिया के पास जूम करता हूं, ठीक है ना, यहां मैं लगाता हूं एक आपको मैग्नीफायर और मैं बेटा इस एरिया पे अब क्या करने जा रहा हूं, जूम करने जा रहा हूं। देखो मैं जूम कर रहा हूं तो कुछ इस तरह का सिनेरियो देखने को मिल रहा है, ये उसी जूम जगह पे है बेटा। देखो यहां पर क्या दिखा रहा हूं तुम लोगों को, ये जो आप पानी का वाटर बॉडी देख रहे हो, ये वाटर बॉडी देख रहे हो, दिस इज लेक विक्टोरिया। ये क्या है, ये है हमारा लेक विक्टोरिया। आई होप ये आपको समझ दिख रहा होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा है तो अपना एक एटलस खोल के बैठ जाओ बेटा। इस तरह से पढ़ेंगे अब लोग तो हम लोग हर तरह के सवालों को कवर कर सकते हैं। अब देखो हो सकता हो कंपाला प्रिंसिपल सवाल ना पूछे करंट अफेयर्स में, वो पूछ ले लेक विक्टोरिया, ज्योग्राफी में सवाल आ गया लेक विक्टोरिया पे, आप सोचोगे यार कोई भी लेक कैसे याद करें हम लोग, इतने सारे लेक्स हैं दुनिया में। आप उन लेक्स पे फोकस करो बेटा जो ऑलरेडी इस वक्त न्यूज में चल रहे हैं, जैसे कि लेक विक्टोरिया, ये न्यूज में आ गया, अब आपको लेक विक्टोरिया के बारे में ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि देखिए ये तो ब्रह्मांड है अखंड, यहां जानकारी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है, लेकिन आपको कौन सी इंफॉर्मेशन पे ध्यान देना है जो करंट में चल रही है, चाहे वो पॉलिटी हो चाहे ज्योग्राफी हो। ज्योग्राफी सवाल आएगा आपको लगेगा यार कोई भी लेक पूछ दिया उन्होंने, नहीं नहीं कोई भी लेक नहीं पूछेगा, यही यूपीएससी खास बात है। यूपीएससी ये नहीं देखता है कि कौन, अगर 5-10 साल से कोई तैयारी कर रहा होगा तो वो तो रट लेगा, लेकिन कोई नया स्टूडेंट भी आया है, नया कैंडिडेट भी है, तो वो अटेम्प्ट नंबर 1 में वो एकदम आपको एकदम एग्जाम क्लियर कर सके। वो इसलिए होगा कि जब वो इन चीजों को पढ़ेगा तो वो लेक विक्टोरिया पे ध्यान दे। तो लेक विक्टोरिया आप देखोगे यहां आपको मिल रहा है, ये जो कंट्री आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला कंट्री जो आप देख रहे हो, दिस इज द कंट्री, आप यहां देखेंगे ये युगांडा कंट्री है, दिस इज युगांडा, ठीक है। युगांडा की यहां पर कैपिटल आपको मिलेगी, ये है कैपिटल कंपाला। मैं इस वाले आपको आपके पिक्चर में दिखाता हूं, ये देखिए ये है कंपाला, दिस इज द कैपिटल ऑफ युगांडा, और यहां पर आपको मिल रहा है लेक विक्टोरिया। अब इस लेक विक्टोरिया को तो समझ में आ गया कंपाला प्रिंसिपल्स क्या है, वो प्रिंसिपल्स कंपाला नाम क्यों रखा गया, क्योंकि वो कंपाला यहां पर युगांडा में साइन किए गए थे, ठीक है, तो कंपाला प्रिंसिपल्स हो गए, ठीक है। अब देखो जरा इसकी ज्योग्राफी पे देखो, आपको एक तरफ दिख रहा है कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ऊपर इसके दिख रहा है साउथ सूडान, यहां दिख रहा है आपको कीनिया, और यहां आपको नीचे देखिए यहां रवांडा दिख रहा है। तो आपसे हो सकता हो लेक विक्टोरिया पे सवाल पूछेगा, तो लेक विक्टोरिया को एक बार ढंग से यहां पर देख लो। लेक विक्टोरिया बेटा ऐसा नहीं किसी एक कंट्री में लाई कर रहा है, ना ही युगांडा में है, ना ही वो नीचे रवांडा में है, तंजानिया यहां पर रवांडा है, और देखो ये है तंजानिया, ठीक है, ये है तंजानिया। तो देखो यार ये आपका कंट्री कौन सा है, युगांडा है, ठीक है। अब देखो ये जो आपको दिख रहा है लेक विक्टोरिया, ये युगांडा में भी लाई करता है, ये थोड़ा बहुत देखो कीनिया में लाई कर रहा है, और ये थोड़ा बहुत जो आपका लेक है वो तंजानिया में भी लाई करता है। तो तीन तीन देशों में ये लेक लाई करता है, वन ऑफ द बिगेस्ट लेक्स में आता है ये, ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट लेक है अफ्रीका का, जो एक नदी है नाइल, ठीक है, नाइल रिवर का ये सोर्स काफी बड़ा जो है सोर्स माना जाता है, नाइल रिवर का सोर्स कंसिडर किया जाता है उसको, ठीक है। तो चलिए इस पर यहां पर होपफुली आपने काफी कुछ समझा होगा कि कैसे इसका ज्योग्राफी है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, ठीक है।
अब देखो मैं आपको उस पर क्वेश्चन कराता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लेक विक्टोरिया। अब हो सकता हो कंपाला पे सवाल ना पूछे, ये कंपाला पे सवाल पूछना हुआ तो वो इस तरह से पूछ सकता है, कंपाला वॉज इन न्यूज, भले कंपाला प्रिंसिपल पे ना पूछे लेकिन कंपाला शहर से रिलेटेड पूछ सकता है। कैसे? वो कंपाला कहां पर है? युगांडा में। और युगांडा में कौन सा लेक लाई करता है? लेक विक्टोरिया। तो हो सकता है वो लेक विक्टोरिया पे सवाल पूछ ले। आपको लगेगा यार कोई भी लेक पूछ लिया, ऐसा नहीं होगा। चलो सवाल देखो, वीडियो को पॉज करो, इस सवाल को अटेम्प्ट करो। कर लिया होगा। इट लाइज एंटायरली इन युगांडा। नहीं भाई, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये तीन कंट्री के जंक्शन पर लाई करता है। मैंने अभी अभी आपको बताया। इट इज कंसिडर्ड टू बी द चीफ रिजर्वॉयर ऑफ रिवर नाइल। यस, मैंने अभी आपसे कहा कि ये चीफ रिजर्वॉयर हो सकता है नाइल रिवर का, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेटा जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं उसको ध्यान रखना, सारी इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड जो भी होंगी, आप खाली एक न्यूज आइटम पे खाली एक सवाल नहीं पढ़ रहे हो, आप उन न्यूज आइटम में करंट अफेयर्स तो मैं आपको करा ही रहा हूं, उसके अलावा मैं आपको यहां पर अदर चीजें भी बता रहा हूं, वो आपके एग्जाम के जीएस के एंगल से इंपॉर्टेंट होगी। मैं सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं बता रहा हूं, मैं बाकी जीएस भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है ना। इससे आपकी प्रिपरेशन आसान हो जाएगी। आप ज्योग्राफी में जब लेक विक्टोरिया पढ़ेंगे तो वहां पर आपको रिकलेक्ट होगा कि यह न्यूज में रिसेंटली क्यों था, ठीक है ना। तो करंट अफेयर्स प्लस द स्टैटिक पोर्शन दोनों आप कवर कर रहे हैं। तो यार स्टेटमेंट नंबर टू इज करेक्ट, वन वाला गलत है। इसका आंसर हो गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट पूछा गया है। ये जरूर पढ़ लेना कि करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। करेक्ट पूछा गया है तो बी इज द करेक्ट आंसर, टू जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यार देखो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है, और वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और जर्मनी को लेकर, ठीक है। अब जरा इसकी कहानी को ढंग से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा मुद्दा है लेकिन काफी इंपॉर्टेंस गेन कर चुका है। यहां पर देखो बिजनेस स्टैंडर्ड में खबर छपी थी और लिखा है कि यूनाइटेड स्टेट्स एंड जर्मनी दे हैव रीच्ड एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट रीच कर चुके हैं एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर जिसका नाम है नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। नॉर्ड, एक काम करते हैं पेन चेंज कर लेता हूं उसका, यस, नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में यहां पर हमको पढ़ना है कि ये नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट क्या है, क्या यहां पर समझौता हो गया है अमेरिका और जर्मनी के बीच में, ठीक है। इस चीज को हम लोग यहां डिस्कस करेंगे। सेम चीज देखिए यहां पर इंडियन एक्सप्रेस ने भी छापी थी, कितना इंपॉर्टेंस उसको अखबारों ने दिया था कि यहां लिखा है व्हाई द यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका उसने अपना यहां पर माइंड चेंज कर दिया है ओवर द नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन, ठीक है। ये इसने क्यों कर दिया है यहां पर, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, व्हाई यूएस हैज चेंज द माइंड। अब बेटा इसकी कहानी को जरा ढंग से सुनो। आप मेरे पीछे जो पिक्चर देख रहे हैं ये वो उस पाइपलाइन की बात है, वो पाइपलाइन दिख रही है जिसको यहां पर बिछाने की बात आ रही है, ठीक है। और वो कहां से कहां तक बिछाई जाएगी ये मैं आपको अब यहां बताने वाला हूं, ठीक है। अब जरा मेरी बातों को गौर से सुनिएगा कि यहां पर हुआ क्या है। जब डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट थे यहां यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, तो यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वो इस नॉर्ड स्ट्रीम टू पाइपलाइन के फेवर में नहीं थे और उन्होंने इस प्रोजेक्ट को बढ़ाने से मना कर दिया था, रोक लगवा दी थी, सैंक्शंस लगा दिए थे, ठीक है। मना कर रहे थे कि हम इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ने नहीं देंगे। लेकिन जब से यहां पर जो बाइडेन प्रेसिडेंट बने हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, तो यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विच हैड प्रीवियसली इंपोज सैंक्शंस, जिसने पहले सैंक्शन लगा दिए थे, रोक लगा दी थी, पनिश कर दिया था टू प्रिवेंट द कंप्लीशन ऑफ अ मेजर न्यू गैस पाइपलाइन बिटवीन रशिया एंड जर्मनी। तो यार एक बात क्लियर हो गई कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये पाइपलाइन जो है ये जर्मनी से लेकर रशिया तक बिछाई जाएगी, ठीक है। और ये गैस पाइपलाइन है, ये भी आपको समझ में आ गया क्योंकि नाम में लिखा हुआ है। तो इसको नाम क्या दिया गया, इस पाइपलाइन को नॉर्ड, इसको नाम क्या दिया गया है, नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन, ठीक है। तो ये पाइपलाइन आप देख सकते हैं, दिस पाइपलाइन इट इज बिटवीन, यहां देखिए ये यूएस और जर्मनी के बीच में बिछाई गई है, इसको हम लोग नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन कह रहे हैं, ठीक है। अब जब ये पाइपलाइन बिछ जाएगी बेटा तो होगा क्या, मैं आपको इसके बारे में बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले आपको मैं दिखा देता हूं कि ये नॉर्ड 2 स्ट्रीम पाइपलाइन है क्या। देखिए 2015 में क्या हुआ था कि रशिया की कंपनी है जिसका नाम है गैस्प्रोम, ठीक है। क्या नाम है उसका, गैस्प्रोम नाम है। गैस्प्रोम के साथ साथ और 5 यूरोपियन फर्म्स थे जिन्होंने मिलकर कहा था कि हम लोग ये नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को बनाएंगे $11 मिलियन के आसपास, ठीक है। 1200 किलोमीटर की ये पाइपलाइन बनाई जाएगी और ये पाइपलाइन चलेगी रशिया से शुरू होगी, रशिया में जगह है उस्ट लुगा, आपको जगह का नाम याद करने की जरूरत नहीं है, कंट्री का नाम याद करना जरूरी है बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो ये 1200 किलोमीटर की पाइपलाइन है, रशिया से शुरू होगी और ये कहां तक जाएगी? ये जाएगी बेटा जर्मनी तक। जर्मनी में जगह का नाम दिख रहा है ग्रीफ्सवाल्ड, नाम याद करने की जरूरत नहीं है, कंट्री याद करो बस, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो भैया ये जो पाइपलाइन है ये रशिया से चालू हो रही है, कहां से हो रही है? ये रशिया से चालू हो रही है अभी आपने देखा, और ये जा रही है कहां तक? ये जा रही है जर्मनी तक। और जब ये रशिया से जर्मनी जा रही है तो कैसे बिछाई गई है? जमीन के अंदर, जमीन के अंदर बिछाई गई है, और ये समुंदर के अंदर से गई है, बाल्टिक सी के अंदर से गई है, ठीक है ना। कौन सा सी है? बाल्टिक सी। बाल्टिक सी के अंदर से ये बिछाई गई है। मैं आपको दिखाता हूं कि एग्जैक्टली ये काम कैसा हुआ है। ये आप देख सकते हैं इमेज, अब जरा समझने की कोशिश करिए कि यहां पर क्या हो रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये यहां सोर्स देखिए, बीबीसी न्यूज ने इसको फोटो दी थी और गैसप्रॉम के ही जो उनकी वेबसाइट है, जो ये कंपनी है उसकी वेबसाइट से फोटो लिया गया। यहां पर लिखा हुआ है नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन फ्रॉम रशिया। अब देखिए ये जो आप ब्लू कलर का यहां पर आप डॉट देख रहे हैं, ठीक है, ये जो आप ब्लू कलर का देख रहे हैं नॉर्ड स्ट्रीम, ये ऑलरेडी कंप्लीटेड है, जो देखिए यहां पर चल रहा है। ये आप ब्लू वाला लाइन देख रहे हैं, ये ब्लू लाइन देख रहे हैं, ये जाके कनेक्ट हो रहा है व्योबॉर्ग को। कहां कनेक्ट हो रहा है? व्योबॉर्ग को। तो ये ऑलरेडी कंप्लीटेड है, तो मतलब नॉर्ड स्ट्रीम जो वन है ये ऑलरेडी कंप्लीटेड है। और बेटा क्या है कि ये नॉर्ड स्ट्रीम वन है ना, ये यहां जर्मनी से लेकर रशिया तक 55 क्यूबिक इतना अमाउंट का यहां पर गैस जो है वो ट्रांसफर कर रही है, ठीक है। एग्जैक्टली टू बी प्रिसाइज, लेट मी टेल यू यहां पर क्या हुआ है। देखिए 55 बिलियन क्यूबिक मीटर्स की जो है, क्यूबिक 55 मिलियन लिख लीजिए इसको, 55 मिलियन क्यूबिक मीटर्स, इतनी गैस पाइपलाइन गैस जो है वो ऑलरेडी ट्रांसफर करता है, कौन सा? नॉर्ड स्ट्रीम। अब क्या होगा जब नॉर्ड स्ट्रीम 2 बन जाएगा, तो अब 55 सेम अमाउंट की और इतनी गैस जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी, कहां से? रशिया से जर्मनी के बीच में। समझिएगा क्या हो रहा है। तो अभी तक क्या था बेटा, अभी तक खाली एक पाइपलाइन थी, तो उससे क्या हो रहा था कि रशिया जो है और कंट्रीज को भी वहां पर गैस देता है, जर्मनी को भी देगा। अगर ये नॉर्ड स्ट्रीम 2 बन जाता है या बन जाएगा तो क्या होगा कि जो बाकी यूरोपियन देश है ना, उनकी डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी किसके ऊपर? रशिया के ऊपर, है कि नहीं भाई। अभी ये 55 क्यूबिक मीटर दे रहा है, अब इसके बाद एक पाइपलाइन और बढ़ जाएगी तो ज्यादा गैस देने लग जाएगा, तो रशिया पे डिपेंडेंसी और बढ़ जाएगी। इसका मतलब जो व्लादिमीर पुतिन है, ठीक है, उनकी इमेज, उनकी छवि और उठ जाएगी। तो यार यही चीज जो है ना वो अमेरिका को रास नहीं आ रही, जो बाइडन डोनाल्ड ट्रंप को रास नहीं आती थी कि भैया हमसे ऊपर कैसे हो जाएगा वो, समझ रहे हो आप बात को। तो यहां पर बैलेंस ऑफ पावर की बात थी, अमेरिका अपना यहां पर जाता है बलबोला, तो वो चाहता नहीं था कि इस तरह की एक्टिविटी हो, क्योंकि इसकी वजह से रशिया का जो बलबोला है वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मना कर रहे थे कि हम इस नॉर्ड स्ट्रीम 2 प्रोजेक्ट के फेवर में नहीं है, लेकिन जब जो बाइडन आते हैं तो वो अलाउ कर देते हैं। लेकिन जो बाइडन अलाउ करते हैं बेटा, कंडीशन ये रखते हैं कि अगर रशिया ने इस गैस पाइपलाइन का यूज कोई और पॉलिटिकल एडवांटेज लेने के लिए किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, और अगर ऐसा कभी हुआ तो जर्मनी को यूरोपियन यूनियन के अंदर रशिया के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। ये बात, ये कंडीशन के साथ जो बाइडेन ने अलाउ कर दिया कि ठीक है इस प्रोजेक्ट को हम बढ़ाने देते हैं, वी वोंट किल दिस प्रोजेक्ट बिकॉज ऑफ एनी अनड्यू थिंग्स जो हमारे दिमाग में आ रही है, ठीक है। तो यहां पर अमेरिका ने इस तरह से इस कंडीशंस पे यहां पर अलाउ कर दिया है, ठीक है। तो जर्मनी को ही देखना पड़ेगा कि अगर कभी भी यहां पर ऐसा कुछ होता है, रशिया इस चीज का कभी अनड्यू एडवांटेज लेगा, तो जर्मनी को रशिया के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। यह बात समझ में आ रही है। इस वाली इमेज में आप देखोगे तो ये आप जो लाइन देख रहे हो नॉर्ड स्ट्रीम 1 की लाइन देख रहे हो, ये देखो ये लाइन दिख रही है आपको, ये देखो कनेक्ट करती है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है ये रशिया का, सेंट पीटर्सबर्ग। आप लोग ने इसको वर्ल्ड हिस्ट्री में जब आप पढ़ रहे होंगे रशियन रिवॉल्यूशन, तो इस शहर का नाम आपने सुना होगा, सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है, पेट्रोग्राड इसको बोलते थे, ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग। नीचे वाली लाइन जो आप देख रहे हैं ये है वो लाइन जो बनाने की बात हो रही है, ये है नॉर्ड स्ट्रीम 2, यही है यहां पर नॉर्ड स्ट्रीम 2 जिसको अब कंस्ट्रक्ट करने की बात यहां पर चल रही है। ये ऑलमोस्ट ये कंस्ट्रक्ट हो गया है, 98% के आसपास ये पाइपलाइन बिछ चुकी है, कवर हो चुकी है। और इंपॉर्टेंटली आप देखो बेटा कि ये दिख रहा है आपको बाल्टिक सी, तो देखो जर्मनी से शुरू हुआ और समुंदर के अंदर ये पाइपलाइन बिछाई गई है, ठीक है, समुंदर के अंदर से ये पाइपलाइन गई है और यहां पर पहुंची है रशिया में। तो ये आपको बाल्टिक सी भी इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, अगेन लोकेशन इसकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो देखो यार और जो स्ट्रीम आपको दिख रही है रशिया से कितनी सारी, देखो ये लाइन, देखो ये पोलैंड को भी गैस मिल रही है, बेलारूस को मिलती है, ठीक है, आप देखो यूक्रेन को मिल रही है, तो ये सब चीजें यहां पर हो रही है।
अब बेसिकली वाई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्यों नहीं चाहता था, एक रीजन यह भी था कि जो रशिया ने अभी रिसेंटली कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, क्रीमियम वॉर्स जो हुई थी, जो उसने यूक्रेन के अंदर बवाल किया था, उसको लेकर भी यहां पर ट्रस्ट पैदा नहीं हो पा रहा है रशिया, मतलब बाकी कंट्रीज में, अमेरिका के अंदर बेसिकली रशिया के खिलाफ, ठीक है ना, कि रशिया ऐसा कुछ नहीं करेगा आगे भी जाके, ठीक है। इस वजह से यहां पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मना कर रहे थे, लेकिन अब जो बाइडेन ने इसमें सहमति दे दी है, समझ में आ गया। तो अब आप इस चीज पर अगर वापस आएंगे तो देखिए यहां पर साफ साफ लिखा है कि ये तो बता दिया कि पहले सैंक्शंस थे, यूएस जर्मनी के बीच में ये पाइपलाइन है, इसको हम इस नाम से बोल रहे हैं, इससे होगा क्या वो मैंने आपको बता दिया कि ये अगर पाइपलाइन बिछ गई तो यूरोप की एनर्जी जो डिपेंडेंसी है वो रशिया के ऊपर बढ़ जाएगी और रशिया का बलबोला यहां ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो बर्लिन मतलब जर्मनी क्या करना पड़ेगा, वो रिस्पॉन्ड करेगा टू स्टॉप मॉस्को, मॉस्को मतलब क्या हो गया रशिया, वो रशिया को रोकेगा अगर कोई रशिया यहां पर पॉलिटिकल एडवांटेज लेने की कोशिश करता है। समझ में आ गया पॉइंट, ठीक है बेटा। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा यहां पर एग्जैक्टली कैसे है। तो ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन पाइपलाइन है, एक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, बता चुका हूं आपको मैं, नॉर्ड वन स्ट्रीम बता चुका हूं, 110 बिलियन क्यूबिक मीटर्स अब गैस जो है वो जर्मनी जाएगी पर ईयर। पहले खाली एक स्ट्रीम थी, नॉर्ड स्ट्रीम वन थी, 55 मिलियन क्यूबिक मीटर्स जाती थी, अब दो हो जाएंगी तो जर्मनी की ज्यादा जाएगी, ठीक है ये याद रखिएगा। और यहां पर ये पाइपलाइन फॉल करती है यूरोपियन टेरिटरी, कौन कौन सी कंट्री के, जर्मनी और डेनमार्क के बीच में, 98% तक ये पाइपलाइन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, वीडियो को पॉज करो, इस सवाल को करो पहले। देखो इन कॉन्टेक्स्ट टू नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन प्रोजेक्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कौन कौन, देखो पाइप, देखो स्टेटमेंट देखो, द पाइपलाइन रन्स बिटवीन यूएसए एंड जर्मनी, क्या यूएसए और जर्मनी के बीच में है। तो देखो मैंने ये स्टेटमेंट क्यों दिया आपको, क्योंकि कभी कभी आप जल्दबाजी में कंफ्यूजन कर सकते हो कि भैया यूएसए और जर्मनी के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, पाइपलाइन नहीं है। पाइपलाइन याद रखना, पाइपलाइन तो रशिया और जर्मनी के बीच में गिरी हुई है, लेकिन अभी जो एग्रीमेंट हुआ है वो यहां पर यूएस और जर्मनी के बीच में हुआ है। यार यही तो मैं तुमको बता रहा था, देखो ये क्या है, ये देखो यूएस जर्मनी रीच एग्रीमेंट, ये देखो एग्रीमेंट हुआ है नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन के ऊपर। समझ में आ रहा है बात को भाई, ठीक है क्लियर हो रही है बात ये तुमको। अब आगे देखो दूसरा स्टेटमेंट, पता पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, इट रन्स अक्रॉस द मेडिटेरेनियन सी, क्या ये मेडिटेरेनियन सी के अंदर से गई है, नहीं गई है, कहां से गई है, बाल्टिक सी के अंदर से गई है। तो भैया इसका आंसर मेडिटेरेनियन सी नहीं हो, ये इसका सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, यहां पर बाल्टिक सी से गई हुई है, तो इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर गलत थे, आंसर हो गया 4, नीदर ए नॉर बी। समझ में आ गया बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर एक इंपॉर्टेंट, यहां पर अगेन डेवलपमेंट, छोटा सा पॉइंट है, और वो ये कि वियतनाम ने अपॉइंट किया है, यहां पर आप देख सकते हैं जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल रिलेशन से, ये खबर है, वियतनाम ने अपॉइंट किया है फर्स्ट, पहला ऑनररी काउंसिल, ऑनररी काउंसिल। ये ऑनररी काउंसिल क्या होते हैं इसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले एक पॉइंटर में समझ बता दें आपको कि किसको यहां वियतनाम ने फर्स्ट ऑनररी काउंसिल जनरल इन इंडिया अपॉइंट किया है, ये बाद में समझेंगे कि ये होते क्या है ऑनररी काउंसिल। पहले समझते हैं, पहले जान लेते हैं कि वियतनाम ने किसको यहां पर अपॉइंट किया है, द हिंदू की ये न्यूज है। अब देखिए यहां पर ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप नाम देख सकते हैं, एनएस श्रीनिवास मूर्ति, ठीक है एनएस श्रीनिवास मूर्ति, ठीक है, इनको जो है बेस्ड इन बेंगलोर, इनको अपॉइंट किया गया है एज ऑनररी काउंसिल जनरल ऑफ वियतनाम फॉर कर्नाटका। यार ये क्या मतलब है, ये क्या हो रहा है, फॉर वियतनाम अपॉइंट हो रहे हैं फॉर कर्नाटका, क्या सीन है समझ नहीं आ रहा है। देखो बेटा क्या होता है ऑनररी काउंसिल्स में, होता क्या है कि जो फॉरेन पावर, फॉरेन जो कंट्री होता है वो यहां क्या करता है कि वो एक लोकल यहां पर पर्सनालिटी को अपॉइंट करता है, अपॉइंट किया जाता है कि आप रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो जो उनके देश के लोग जो होते हैं उनको यहां पर उनके अफेयर्स को देखने के लिए यहां पर एक व्यक्ति अपॉइंट हो जाता है, जिसको हम लोग ऑनररी काउंसिल कहते हैं। ये जो ऑनररी काउंसिल होते हैं ये कोई प्रोफेशनल डिप्लोमैट्स नहीं होते हैं, ये लोकल सिटीजंस होते हैं उसी कंट्री के जहां पर वो, जैसे इंडिया का है तो देखिए इंडिया का ये है एन एस श्रीनिवास मूर्ति जी, ये इंडिया के हैं, लेकिन इनको वियतनाम ने अपॉइंट कर दिया है कि आप वियतनाम के वहां के लोगों जो हैं उनके अफेयर्स को देखेंगे। समझ में आ रहा है, तो ये फर्स्ट ऐसा हुआ है, वही चीज यहां पर आया है कि ये न्यूज में ये फर्स्ट ऑनररी काउंसिल है, वियतनाम अपॉइंट्स फर्स्ट ऑनररी काउंसिल जनरल इंडिया, इससे पहले कभी वियतनाम ने अपॉइंट नहीं किया था, ठीक है। अब जरा देखिए यहां पर डिटेलिंग में कि ही इज द फर्स्ट ऑनररी काउंसिल जनरल फॉर ऑफ वियतनाम, एक तो वियतनाम का पहला है और
अभी आप देखेंगे तो 19th अक्रॉस द वर्ल्ड, वर्ल्ड की बात करेंगे तो 19वां है, यानी वियतनाम ने और कंट्रीज में भी अपने ऑनरी कंसल यहां पर अपॉइंट किए होंगे, तो अब ये पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे तो 19th है, ठीक है। साथ में आप देखोगे कि अगर इस साल की बात करेंगे 2021 की बात करेंगे तो ही इज द थर्ड ऑनरी कंसल जनरल टू बी अपॉइंटेड ग्लोबली दिस ईयर, ठीक है, इस साल का वो थर्ड है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, नाम याद रखिएगा, आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि किसको अपॉइंट किया गया, इस तरह के एमसीक्यू हो सकते हैं, वन लाइनर वन वर्ड एमसीक्यू हो सकते हैं, लेकिन स्टेटमेंट वाइज भी होने के चांस बहुत है। ये यूपीएससी का पैटर्न है, इसलिए एसएससी का पैटर्न नहीं है, ये बैंक का पैटर्न नहीं है, रेलवे का पैटर्न नहीं है, बेटा ये एग्जाम यूपीएससी का पैटर्न, यूपीएससी का एग्जाम है, अपने आप में बड़ा एग्जाम है यार। एक बात समझो इस एग्जाम की, कि ये एग्जाम जो है तुमको क्या कर रहा है, एक प्रेस्टिजियस यहां पर पोजीशन, एक प्रेस्टिजियस तुमको डेजिग्नेशन दे रहा है। तुम इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में चले जाओगे, यू विल बी गेटिंग अ वेरी वेरी गुड जॉब, मतलब ये एग्जाम सीधे तुमको नौकरी दिलाएगा। और आप बाकी एग्जाम को देखोगे तो क्या होगा, आप एग्जाम दे रहे हो, यू विल एंटर द कॉलेजेस, आप पहले कॉलेज में जाओगे, फिर आप ग्रेजुएशन करोगे, फिर यू विल गेट दी नौकरी जॉब, राइट। यहां पर आप एग्जाम को आप देखिए क्या कह रहे हैं, इस एग्जाम के थ्रू डायरेक्टली कोई प्रेस्टिजियस एग्जाम है, यू हैव एन वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि आप इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को यहां पर क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। यह बहुत खास बात है इस चीज की। आई होप आप इस एग्जाम की ग्रेविटी को समझ पा रहे हैं, आप इस एग्जाम की सीरियसनेस को समझ पा रहे हैं। बेटा ये एग्जाम ऐसा वैसा एग्जाम नहीं है, ये एग्जाम आपको इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, यार हम लोगों के लिए क्या होता है ना, जो मिडिल क्लास लोग हैं या जो मिडिल क्लास के नीचे लोग जो बैठे हुए हैं, उनके लिए इस तरह के एग्जाम्स जो होते हैं ना, वो उनकी किस्मत बदलने वालों में से एग्जाम होते हैं। मतलब अभी आप मान लीजिए इस साइड बैठे हैं, जहां पर आप अभी पुअर फैमिलीज में बिलोंग कर रहे हैं, आप बिलो एवरेज इनकम फैमिलीज को बिलोंग करते हैं, लेकिन आप एक एग्जाम निकालेंगे ना, एक एग्जाम, आप तुरंत यू आर ऑन दी अदर साइड ऑफ द पिक्चर, तुरंत आप अलग साइड पहुंच जाओगे। अब आप बैठे हो इंडियन आर्म फोर्सेस में, यू आर सर्विंग दी कंट्री, आपको लोग सलाम ठोक रहे हैं, अलग ही रुतबा होता है, अलग ही पोजीशन होती है, अलग ही डिग्निटी होती है, और आपको जो मौका मिलता है ना वो तो अलग होता है। तो आप इस चीज को जरूर समझिएगा कि एग्जाम आपसे डिमांड करेगा डिफरेंट थिंग, ये एग्जाम की डिमांड ही अलग होगी, ये एग्जाम का डिमांड के बाद एग्जाम का जो रिजल्ट है, जो सक्सेस है, वो आपको अलग अलग तालियों से आपका उसका स्वागत किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डू वी नॉट शॉपिंग एट दिस, बट मैं आपको चाह रहा हूं कि आप इस चीज से थोड़ा मोटिवेशन ले और समझे इस एग्जाम की सीरियसनेस को। कुछ तो ये एग्जाम आपसे अलग मांगेगा, क्यों, क्योंकि ये एग्जाम भी आपको कुछ अलग चीज देगा। हर एग्जाम की तरह आपको ये, हर एग्जाम आपको क्या देगा, कुछ डिफरेंट चीज देता है, लेकिन ये एग्जाम जो आपको देगा ना, माथे पे बैचेस, यूनिफॉर्म, अलग ही चीज होती है, अलग ही रुतबा होगा उसका, ठीक है। तो यहां पर ये जो आप देख रहे हैं मिस्टर मूर्ति जो है, ही इज दी ओनर एंड मैनेजिंग पार्टनर बेसिकली ऑफ किसके, एनके सुब्बैया शेट्टी एंड सन्स। और आपको पता है कि ये जो पर्टिकुलर जो यहां पर यूनिट है वो अगरबत्ती के मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है, तो इसी के वो मिस्टर मूर्ति जो है वो ओनर है। और जो एन श्रीनिवास मूर्ति की बात है, वो अब इस ऑनरी काउंसिल जनरल ऑफ जो जनरल की पोस्ट पे गए हैं, वो यहां पर इसको होल्ड करेंगे, टू होल्ड पोजिशन इन कर्नाटका फॉर द 3 ईयर्स, 3 साल के लिए वो उसकी पोजिशन को होल्ड करने वाले हैं, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। अब देखो यहां पर आपको ये लिस्ट दिख रही है, ये है नंबर ऑफ ऑनरी काउंसिल्स इन इंडिया की लिस्ट यहां पर दी है, मिनिस्ट्री ऑफ यहां पर एक्सटर्नल अफेयर्स जो हमारी है उनके द्वारा ही डेटा मैंने शेयर किया, थोड़ा पुराना डेटा है, ठीक है, लेकिन मैं आपको फिर ही बता रहा हूं कि इस तरह की चीजें यहां पर ऐसे यहां गवर्नमेंट भी काउंट करती है, डेटा रखती है अपने साथ, ठीक है। अब बात यह है कि ये ऑनरी काउंसिल जनरल होते क्या है, सवाल इस पे आ सकता है आपसे। देखो एसएससी का एग्जाम होगा, रेलवे होगा, आपसे पूछेगा वियतनाम ने किसको अपॉइंट किया है, ये होगा बाकी और एग्जाम्स का तरीका। वियतनाम ने किसको फर्स्ट ऑनरी काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट किया है, और वियतनाम अपॉइंट किया है, वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यूपीएससी का पैटर्न क्या होगा कि ऑनरी काउंसिल जनरल होते क्या है वो बताओ तुम मुझे, मुझे रट्टू नहीं चाहिए यहां पर। यूपीएससी कहता है आई डोंट वांट रट्टू, आई वांट जो चीजों को जानते हो, समझते हो। तो चलिए देखते हैं, ये प्रोफेशनल्स नहीं होते हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा ये प्रोफेशनल डिप्लोमैट्स नहीं है, यूजुअली ये क्या होते हैं, जो होस्ट कंट्री है उसी के सिटीजन होते हैं। तो देखिए यहां पर भी सिटीजन थे, ठीक है। ये जो है इनको डेजिग्नेट करता है कौन, फॉरेन गवर्नमेंट इनको डेजिग्नेट करती है कि वो उनके सिटीजन के अफेयर्स को देखेंगे। मतलब राइट नाउ केस ये है कि जो वियतनाम के लोग इंडिया में रह रहे हैं उनके अफेयर्स को, उनकी देखभाल के लिए यहां पर ये ऑनरी काउंसिल जनरल अपॉइंट किए गए हैं, ठीक है। अब बात ये है कि इनको कोई सैलरी नहीं मिलती इस चीज की, तो आप कहोगे सर ये क्या बात है, तो इस पोस्ट का क्या चार्ज, कौन जाएगा इस पोस्ट पे,
जब कोई सैलरी कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलना है तो क्या है इस पोस्ट के अंदर? बेटा आप देखोगे इस पोस्ट के अंदर सबसे बड़ी खास बात यह है, आप देखिए यहां लिखा है कि ऑनरी कॉन्सल्स डोंट गेट एनी रेम्यूनरेशन फॉर दी फ्रॉम दी सेंडिंग स्टेट। वियतनाम कोई पैसा नहीं देगा, कोई रेम्यूनरेशन नहीं देने वाला, फिर भी ये पोस्ट इतनी अट्रैक्टिव क्यों है? क्योंकि बेटा आपको अपनी गाड़ी के ऊपर वो झंडा लगाने का मौका मिलेगा। इट इज मोर देन द प्रिविलेज, भाई प्रिविलेज की नौकरी है। जैसे आप इस एग्जाम की बात करें, आपके लिए ये जॉब जो है वो पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? आपका यहां पर आपका कितना इंटरेस्ट है, आपका प्रिविलेज है ये कि आप देश को सर्व कर रहे हैं। हाँ, हर कोई ये मौका नहीं ले पाता, सब किसी को ये मौका नहीं मिलता कि आप देश की सेवा करिए। आपको मिलेगा तो ये प्रिविलेज होगा आपके लिए, ठीक है ना। रेदर देन मॉनेटरी वैल्यू, वॉट इज मोर इंपॉर्टेंट कि आपके सामने लोग सलाम ठोक देंगे, वो आपका प्रिविलेज है। मतलब आप देश को सेवा कर रहे हो, समझ रहे हो बात को? तो यहां पर ये इसका है कि आपको क्या मिलेगा, इट इज मोर देन द प्रिविलेज ऑफ फ्लाइंग द फ्लैग ऑफ द कंट्री दे रिप्रेजेंट ऑन देयर कार्स। जिस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस वक्त उनका झंडा वो अपने कार पे लगा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप आर दयाकर हैं, ये एक रिटायर्ड इंडियन डिप्लोमैट है, इन्होंने ये इस चीज को बोला था। इन्होंने कहा था कि ऑनरी काउंसिल जो है गेट एन अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट कॉमर्शियल ट्रेड टाइज एंड एंजॉय एंड एडेड सोशल एडवांटेज। उनको ये सब चीजें रिकॉग्निशन, सोशल रिकॉग्निशन मिलता है, इस तरह की चीजें उनको यहां पर मिलती है, ठीक है। साथ में यहां पर उनको और भी सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और ग्लोबल डिप्लोमेटिक कम्युनिटी का भी एक्सेस मिलता है। ये सब चीजें हैं, दुनिया में आज के टाइम पे 30,000 से ऊपर काउंसलर जनरल्स यहां पर मौजूद हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट है, आपको उस पर ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब मैं बात करूंगा आपसे यहां पर पॉलिटिको रिलेटेड एक क्वेश्चन, यहां पर देखिए आप देख पा रहे हैं ये न्यूज स्टडी थी फर्स्ट पोस्ट में, ठीक है। ये भी एक न्यूज कॉलम है, यहां पर लिखा है अनसर्टेनिटी ओवर महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर इलेक्शन टुडे, पोस्ट वेकेंट सिंस फरवरी। अब मैं आपको बताऊं कहानी क्या है। कहानी यह है कि महाराष्ट्र में फरवरी में क्या हुआ था, फरवरी में जो स्पीकर थे उन्होंने रिजाइन कर दिया था, और उसके बाद से डिप्टी स्पीकर जो है महाराष्ट्र असेंबली के वो उस असेंबली को चला रहे हैं। स्पीकर की पोस्ट बहुत टाइम से, तब से लेकर अब तक खाली पड़ी है। तो फरवरी से लेकर अब यहां सितंबर आ गया, 1 सितंबर है आज, और ये पोस्ट खाली पड़ी थी, उसको लेकर यहां पर ये बार बार खबरें छप रही थी कि अनसर्टेनिटी है ओवर द महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर इलेक्शन। स्पीकर इलेक्शन कब होगा इस पर टोटली अनसर्टेनिटी है। नॉट ओनली दिस, आप देखिए इंडियन एक्सप्रेस ने भी इसको छापा था और यहां लिखा था कंसेंसस अमंग एमवीए एलाइज। एमवीए बेसिकली यहां पर एक तरह से एक बॉडी है, एक बॉडी कह सकते हैं, पार्टी टाइप की है जो एलाइज फॉर्मेशन किया है उन्होंने, ठीक है। उन्होंने भी कहा कि स्पीकर्स का इलेक्शन अनलाइकली है, ठीक है ना, अनलाइकली यहां पर बोला गया। महाराष्ट्र विकास अगाड़ी ऐसा करके इसका फुल फॉर्म है, एमवीए महाराष्ट्र विकास अगाड़ी, ठीक है। तो यहां पर अब देखते हैं कि हमारे लिए ये न्यूज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, करंट अफेयर्स के हिसाब से देखोगे तो करंट अफेयर्स में क्या हो गया, करंट अफेयर्स में आ गया कि महाराष्ट्र की सीट इंपॉर्ट खाली पड़ी हुई है, ठीक है। लेकिन आपसे यूपीएससी सवाल पूछेगा स्पीकर के ऊपर, अब आपको पॉलिटी में सवाल क्या आएगा, स्पीकर, आपको लगेगा कि यार ये स्पीकर ने सवाल क्यों पूछ लिया, ऐसे इतनी सारी पोस्ट है किसी भी पूछ ले, स्पीकर किसी भी पूछेंगे तो हम याद कैसे करेंगे। आप उन पर ध्यान दो जो आपके करंट अफेयर्स में करंट में न्यूज में रहे हो, तो स्पीकर पे आप ध्यान दे सकते हैं। देखिए अगर बात करूं यहां हुआ क्या है, तो महाराष्ट्र की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, आपको पता होगा स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, ठीक है। तो यहां पर जो महाराष्ट्र की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है बेटा, वो विदाउट अ स्पीकर है, स्पीकर नहीं है, 1 साल से ऊपर यहां पर सिनारियो हो चुका है, ठीक है। अभी रिसेंटली वहां पर एक मानसून सेशन जब हुआ था पार्लियामेंट का, तो भी वहां पर मानसून सेशन में भी विदाउट इलेक्टिंग अ स्पीकर वो सेशन खत्म हो गया, ठीक है। इससे पहले जो स्पीकर थे वो कांग्रेस पार्टी के थे, नाना पटोले उनका नाम था, ठीक है। उन्होंने 2019 में ही वॉज इलेक्टेड टू द पोस्ट, और उन्होंने यहां पर अभी रिसेंटली पटोले ने रिजिग्नेशन दे दिया था फरवरी में, और उसके बाद से डिप्टी स्पीकर थे उनका नाम है नरहारी जिरवाल सीताराम, ये एनसीपी पार्टी के हैं, इन्होंने तब से यहां पर इस काम को संभाल रखा है स्पीकर की पोस्ट को, ठीक है। तो ये सब तो हमारा चल रहा था। अब देखिए यहां पर जो लीडर ऑफ अपोजिशन है देवेंद्र फडणवीस जी, ठीक है, उन्होंने ये डिमांड कर रहे हैं बार बार कि भैया स्पीकर की पोस्ट फिल करो, स्पीकर के इलेक्शन कराओ। और इसका जवाब जो अभी महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे जी, उन्होंने ये कहा कि भैया चीफ मिनिस्टर ने रिस्पॉन्ड क्या किया, चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इलेक्शन टू द स्पीकर पोस्ट वुड बी हेल्ड एट एन अप्रोप्रिएट टाइम आफ्टर द कंप्लाइंग विद कोविड प्रोटोकॉल्स। चीफ मिनिस्टर ने कह दिया कि जो इलेक्शन होगा स्पीकर का वो कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स को दायरे में रखते ही होगा, जब सिचुएशन पॉसिबल होगी तब होगा। गवर्नमेंट यहां पर बार बार डिमांड कर रही है,
बात यह है कि पहली बार ऐसा नहीं है कि स्पीकर की पोस्ट खाली है, कई बार ऐसा हुआ है। पहले देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार थी जब, तो उस वक्त पता चला कि डिप्टी स्पीकर की पोस्ट खाली पड़ी हुई है, उसको नहीं भर रहे हैं। आज ऑपोजिशन में बैठे हैं तो ऑपोजिशन में डिमांड हो रही है कि स्पीकर लाइए। तो पॉइंट ये है, यहां चीफ मिनिस्टर ने क्या बोला, चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जो इलेक्शन होगा स्पीकर की पोस्ट का वो कोविड के प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए होगा, जब सिचुएशन ठीक होगी तब कराएंगे। तो बात यह है कि यह बताइए क्या क्या मनमर्जी है क्या कि जब चाहे तब कराएं स्पीकर का इलेक्शन? क्या कॉन्स्टिट्यूशन हमें कोई प्रोविजन नहीं बताता? देखिए इसके बारे में मैं आपसे यहां पर बात करता हूं। देखिए, ही मेंशन यहां पर उद्धव ठाकरे जी जो चीफ मिनिस्टर, उन्होंने क्या बोला, ही मेंशन दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द असेंबली रूल्स डू नॉट स्पेसिफाई। उन्होंने यहां पर कहा कि हमारा संविधान और ना ही असेंबली के रूल्स ये कोई भी टाइम फ्रेम नहीं बताते हैं, डू नॉट गिव अ टाइम फ्रेम फॉर फिलिंग अ वैकेंसी इन द पोस्ट ऑफ स्पीकर। स्पीकर की पोस्ट के लिए कोई भी यहां पर वैकेंसी के कैसी फिल होगी, कब होगी, टाइम फ्रेम नहीं बताया गया। तो बात यह है कि उद्धव ठाकरे जी जो है उन्होंने यहां पर कितना यहां पर सही स्टेटमेंट दिया, चलिए इसको एनालाइज करते हैं। अब हम समझते हैं किस तरह से स्पीकर जो है या डिप्टी स्पीकर जो है वो हमारे देश में इलेक्ट होता है। तो आपको पता है जो स्पीकर की पोस्ट होती है, स्पीकर जो है वो हमारे, अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो लोकसभा के अंदर जो चेयरमैन जो 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 हाउस को चलाता है वो कौन होता है, वो है स्पीकर होता है हमारा, ठीक है, स्पीकर होता है। और यही स्पीकर जो है, आप देखिए, अगर आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरह की कई सारी पोस्ट है स्पीकर के अलावा, प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया, कैग की पोस्ट हो गई, ठीक है। तो इस तरह की कई सारी पोस्ट के बारे में, अटॉर्नी जनरल ऑफ, मतलब इस तरह की कई सारी पोस्ट होती है जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन हमको यहां पर स्पेसिफाई करता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं लोकसभा के स्पीकर की पर से, तो आप देखोगे आर्टिकल 93 इसकी बात करें, आर्टिकल 93 की बात करें फॉर दी लोकसभा, ये लोकसभा की बात है, और आर्टिकल 178 की बात करेंगे तो ये असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली की बात है, स्टेट्स की बात है। देखिए स्पीकर दोनों जगह होगा, ठीक है, स्पीकर कहां का होगा, एक तो होगा लोकसभा में अगर हम यूनियन की बात करेंगे, और राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा में चेयरमैन होता है, राइट। तो चेयरमैन कौन होता है राज्यसभा में, आपको पता होगा कि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, ही इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, पता होगा आपको ये, बाय वर्च्यू ऑफ पोस्ट, एक्स ऑफिशियल मतलब बाय वर्च्यू ऑफ पोस्ट, इसका मतलब ये है कि चूंकि वो वाइस प्रेसिडेंट है हमारे इंडिया के, इस वजह से वो राज्यसभा के चेयरमैन है, समझ में आ रहा है। तो वो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। लेकिन स्पीकर की बात करें तो स्पीकर लोकसभा का होगा, लोअर हाउस का, और ऐसे अगर हम स्टेट असेंबली की बात करें तो जो वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उनके अंदर स्पीकर्स होते हैं। तो अगर हम पार्लियामेंट की बात करेंगे तो आर्टिकल 93, और अगर हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करेंगे तो वहां पर आर्टिकल 178 ये कहता है कि हाउसेस जो है, जो हाउसेस होते हैं, शैल एज सून एज मे बी, ये वर्ड संविधान में इस्तेमाल किया गया है कि जितना जल्दी हो सके, चूज टू ऑफ इट्स मेंबर्स अपने मेंबर में से, ठीक है, बाहर से नहीं लाया जाएगा, टू ऑफ इट्स मेंबर्स अपने मेंबर में से एक को स्पीकर और एक को डिप्टी स्पीकर चूज करें। लेकिन टाइम फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं बोला, उन्होंने कहा एज सून एज मे बी, जितना जल्दी हो सके। तो भाई इसमें तो यहां पर उद्धव ठाकरे जी का स्टेटमेंट जो है वो सही होता दिख रहा है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई टाइम लिमिट यहां सेट नहीं करता है कि कब यहां पर कोई टाइम लिमिट नहीं देता है, कोई प्रोसेस नहीं बताता है किस तरह से ये इलेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। टोटली यहां पर लेजिस्लेचर के ऊपर छोड़ दिया गया है कि आप देखिए, ठीक है, इट लीव्स टू द लेजिस्लेचर टू डिसाइड हाउ टू होल्ड दीज इलेक्शंस। टोटली लेजिस्लेचर के ऊपर है कि कैसे उसको यहां पर इलेक्शंस किए जाएंगे। आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल, लेकिन हरियाणा का अलग तरीका है, यूपी का अलग तरीका है, ठीक है। अब यहां पर देखिए कि अगर हम लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें, अगर हम लोकसभा की बात करते हैं और अगर हम स्टेट लेजिस्लेचर की बात करते हैं, ठीक है, तो प्रेसिडेंट गवर्नर ऑब्लिक गवर्नर, यानी लोकसभा की बात करेंगे तो प्रेसिडेंट, और अगर लेजिस्लेचर की बात करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर तो गवर्नर, ठीक है, सेट्स अ डेट, वो डेट फिक्स करता है फॉर द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर। तो यहां प्रेसिडेंट, या अगर हम लोकसभा के स्पीकर की बात कर रहे हैं, और गवर्नर अगर हम स्टेट लेजिस्लेचर की बात कर रहे हैं, वो यहां पर एक डेट फिक्स करता है। एंड इट इज द स्पीकर, और जब एक बार स्पीकर यहां हो जाता है तो इट इज द स्पीकर, फिर स्पीकर डिसाइड करता है एक डेट फॉर द इलेक्शन ऑफ द डिप्टी स्पीकर। तो स्पीकर के इलेक्शन की डेट इज डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट अगर वो केस लोकसभा का है, एंड इट इज डिसाइडेड बाय द गवर्नर अगर वो केस स्टेट लेजिस्लेचर का है, ठीक बात है। और यहां समझने वाली बात यह है कि अगर स्पीकर जब हो जाता है तो स्पीकर फिर एक डेट चकता है डिप्टी स्पीकर को अपॉइंट करने के लिए, समझ में आ गया ये बात।
तो लेजिस्लेचर जो होते हैं, लेजिस्लेटर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव हाउसेज, अगर लोकसभा की बात करें, वोट टू इलेक्ट वन अमंग देम टू दीज ऑफिसेज, ठीक है, वो यहां पर वोट करते हैं उनमें से किसी एक को स्पीकर इलेक्ट करने की। तो हाउसेज के जो मेंबर्स हैं वो यहां पर लेजिस्लेटर्स के जो मेंबर्स हैं वही वोट करते हैं अपने में से, अमंग देमसेल्व्स में से एक चूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, द लेजिस्लेटर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव हाउसेज वोट टू इलेक्ट वन अमंग देम, अपने में से ही एक को चूज किया जाएगा। समझ में आ गई बात बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, ध्यान रखिएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यहां पर प्रोवाइड करता है ऑफिस ऑफ द स्पीकर वो कभी भी खाली नहीं होना चाहिए, ये बात तो कहता है कॉन्स्टिट्यूशन, और कहता है कि अगर खाली हो जाता है तो आपको उसको एज सून एज पॉसिबल भरना है। दूसरी बात, इसी वजह से चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कभी भी स्पीकर का पोस्ट खाली नहीं रहना चाहिए, अगर स्पीकर नहीं हुआ तो इमीडिएटली डिप्टी स्पीकर उसका काम करने लगता है। और इसी वजह से आप देखिए कि अगर मान लीजिए एक सरकार खत्म होती है, 5 साल का टेंजर खत्म हुआ, मान लीजिए दूसरी सरकार आनी है तो स्पीकर अपनी पोस्ट पर रहता है, जब दूसरी सरकार आ जाती है, ठीक है, हाउस की पहले यहां पर प्रोसीडिंग चालू हो जाती है, उसके बाद वो लोग अपनी जो नई सरकार बनी है फिर वो लोग अपने अपने में से स्पीकर को चूज कर लेते हैं, ठीक है ना। इसके लिए एक वर्ड भी यूज होता है, प्रोटेम स्पीकर, स्पीकर प्रोटेम, ये आपको प्रथमेश्वर पॉलिटी में पढ़ाएंगे, ठीक है, वहां मैं वो डिटेल में जाऊंगा क्योंकि करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सो ही कंटिन्यूज इन ऑफिस अंटिल द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट हाउस, ठीक है, एक्सेप्ट इन द इवेंट ऑफ डेथ और रेजिग्नेशन, डेथ हो गया, रिजाइन कर दिया तो अलग बात है, वरना वो अपने ऑफिस में कंटिन्यू करता है। ये सब चीजें बेटा आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। आपको लगेगा स्पीकर सवाल क्यों है, लेकिन स्पीकर पे इतनी सारी चीजें आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। अब बात करते हैं रोल क्या होता है स्पीकर का या डिप्टी स्पीकर का। तो देखिए स्पीकर जो है वो एक स्पोक्समैन होता है, वही यहां पर कार्रवाई शुरू करता है, वो प्रिसाइड करता है हाउस की प्रोसीडिंग्स को। अगर यहां पर ज्वाइंट सिटिंग होती है, ज्वाइंट सिटिंग मतलब लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट सिटिंग हुई, तो इट इज द स्पीकर हु प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग। ध्यान रखिएगा इस बात को कि लोकसभा का स्पीकर प्रिसाइड करता है। आप सोचेंगे कि लोकसभा का स्पीकर हो गया, राज्यसभा का स्पीकर, अगर चेयरमैन देखे तो राज्यसभा का चेयरमैन ज्यादा बड़ी पोस्ट है, ही इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसे करना चाहिए, यही तो कंट्रोवर्सी बनी है, बट एक्चुअली इट इज द स्पीकर बेसिकली हु प्रिसाइड्स द जॉइंट सिटिंग्स ऑफ द बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। तो यहां जो स्पीकर है उसका डिसीजन होता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आपके लिए, एक तो ये बता दिया मैंने, एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि कोई बिल पार्लियामेंट में जब इंट्रोड्यूस होगा तो वो बिल मनी बिल है कि नहीं, इस चीज पर डिसाइड जो है स्पीकर करता है कि इट इज अ मनी बिल और नॉट, ये डिसाइड कौन करेगा, स्पीकर करता है, स्पीकर ऑफ दी लोकसभा, ठीक है। तो सोचिए कितनी ज्यादा पावर उसकी है। दूसरी बात है, आपको लग रहा है क्या डिप्टी स्पीकर उसका सबॉर्डिनेट है, क्या स्पीकर के नीचे डिप्टी स्पीकर आता है, नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, डिप्टी स्पीकर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीकर। ऐसा नहीं है कि डिप्टी स्पीकर है तो वो स्पीकर को जवाबदेही हो गई, उसकी कुछ ऐसा हो गया, नहीं नहीं नहीं, वो टोटली इंडिपेंडेंट है, उसके सबॉर्डिनेट नहीं है, नॉट सबॉर्डिनेट टू हिम। बेटा तुमको इसी पे सवाल आएगा, आपको लिख देगा एक स्टेटमेंट कि डिप्टी स्पीकर इज सबॉर्डिनेट टू द स्पीकर, स्टेटमेंट सही है गलत है, समझ रहे हो, वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि डिप्टी स्पीकर सबॉर्डिनेट नहीं होता है। क्यों, क्या लॉजिक है, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट किए जाते हैं मेंबर्स ऑफ द हाउस के द्वारा, मेंबर्स ऑफ द हाउस जो है वो दोनों मिलकर क्या करते हैं, मतलब मेंबर्स ऑफ द हाउस ही हैं, वही हैं जो स्पीकर को इलेक्ट करते हैं और वही है जो डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। बस फर्क इतना हो जाता है कि स्पीकर का जब इलेक्शन हो जाता है तो स्पीकर डेट डिसाइड करता है डिप्टी स्पीकर की, कारण क्या है, क्योंकि स्पीकर ही को तो यहां आगे प्रोसीडिंग्स कार्रवाई करनी है हाउस की, ठीक है, समझ में आ गया ये पॉइंट। चलो आगे देखो, तो डिप्टी स्पीकर आप देखिए इंश्योर करता है कि कंटिन्यूटी बनी रहे ऑफिस के अंदर, ठीक है, पूरी कंटिन्यूटी रहे ऑफिस में, ऐसा कभी खाली पद ना आए। एक बार ऐसा हुआ था, क्या हुआ था कि जो हमारे पहले स्पीकर थे लोकसभा के, देखो आपको ये भी एक जीएस का फैक्ट सामने आ गया, मैंने एक जीके का फैक्ट बता दिया कि जो फर्स्ट हमारे स्पीकर थे जीवी मवालंकर जी, ठीक है, उनकी डेथ हो जाती है 1956 में, तो वहां पर सिचुएशन आती है जब डिप्टी स्पीकर ने उनकी पोस्ट को कायम करके उस पोस्ट को, स्पीकर की पोस्ट को कंटिन्यू बनाए रखा। तो डिप्टी स्पीकर इंश्योर्स कि कंटिन्यूटी रहे स्पीकर्स की पोस्ट पे, अगर स्पीकर की डेथ होती है तो इमीडिएटली डिप्टी स्पीकर आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहां पर एक बार और हुआ था, जब आप देखिए कि जीएमसी बाला होगी 2002 में उनकी डेथ होती है, तब भी ये सिनेरियो हुआ था। एक बार हुआ था जब एन संजीव रेड्डी 1977 में रिजाइन कर देते हैं, तब भी एक बार की पोस्ट खाली हो गई थी स्पीकर की और तब डिप्टी स्पीकर ने उस पोस्ट को तुरंत संभाल लिया था, ठीक बात है, ये बात समझ में आ गई। सिमिलरली मान लीजिए कभी स्पीकर को रिमूव करने का रेजोल्यूशन पास है कि हमको तो स्पीकर को उठाना है, काम ढंग से नहीं कर रहा है, ऐसे सिनारियों में क्या स्पीकर हाउस की प्रोसीडिंग को चलाएगा, अरे जिसके खिलाफ खुद चार्जेस चल रहे हैं वो कैसे इस कार्रवाई को प्रोसीड करे, तो ऐसे सिनारियों में डिप्टी स्पीकर उसकी पोस्ट पे बैठ जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब यार ये क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करो, इस क्वेश्चन को तुम लोग पॉज करो वीडियो को और ये सॉल्व करने की कोशिश करो, करो
कर लिया होगा, देखते हैं। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा प्रिसाइड्स ओवर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, स्पीकर प्रिसाइड करता है, मैंने बताया। इट इज द स्पीकर हु डिसाइड्स वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये भी सही है। स्पीकर इज नॉट अ मेंबर ऑफ लोकसभा, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, वो मेंबर होता है, मैंने बताया ना कि जो हाउस के मेंबर होते हैं वो अपने में से चूज करते हैं, तो मतलब वो मेंबर तो होता ही होता है लोकसभा का, तो स्टेटमेंट ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया। सवाल क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज और आर नॉट करेक्ट, यहां पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो यार ए सही है, बी सही है, सी सही नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो गया, थ्री। मैं तुम्हें जानबूझ के ए और बी भी ऑप्शन दिया है, क्योंकि कुछ बच्चे क्या होंगे जल्दबाजी में इस नॉट वर्ड को नहीं पढ़ेंगे और यूपीएससी तुम्हारे साथ इसीलिए खेल जाएगा, तुम्हारे नंबर मिल जाएंगे जीरो, तुमको ढंग से पढ़ना है क्वेश्चन को भी, समझ में आ गया, तो इसका आंसर हो गया सी कि सिर्फ यही स्टेटमेंट गलत है, बाकी दो तो सही है, क्योंकि सही तो पूछा ही नहीं था, उसने पूछा कौन सा स्टेटमेंट गलत है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अब देखो यहां पर एक जो आपसे मैं एग्जांपल दे रहा था, प्रेसिडेंट ने यहां रिसेंटली 8 गवर्नर्स को अपॉइंट किया है, ये मैंने तुमको दिखाया था, बताया था स्टार्टिंग में, तो पॉलिटी का ये भी एक न्यूज है कि 8 गवर्नर्स अपॉइंट हुए हैं। अब तुमसे 8 गवर्नर के नाम तुमको याद नहीं करने, यूपीएससी इस एनडीए एग्जाम में कभी भी गवर्नर के नाम नहीं पूछेगा, ठीक है, लेकिन गवर्नर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, गवर्नर के बारे में ये सब चीज जरूर पूछ सकता है, ठीक है, तो चलिए इसके बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो यार, ये तुम्हारे पास लिस्ट बनी हुई है, इस लिस्ट को तुम लोग देख लेना, इस पर मैं आपको पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि हम लोग फास्ट ट्रैक कोर्स कर रहे हैं, यहां तुम उसको अपने आप पढ़ लेना, अगर मन करे तो याद कर लेना, इस एग्जाम में नहीं तो किसी और एग्जाम में कभी आप अगर देना चाहोगे तो पूछ सकता है। वैसे एक ब्रीफ आइडिया रख लेना कि कौन से स्टेट में कौन कौन से स्पीकर, एक बार पढ़ जरूर लेना इसको, क्योंकि कहीं मान लो वर्स्ट केस में ऐसा क्वेश्चन बना दिया उसने धोखे से भी, तो आपको ब्रीफ आइडिया रहे कि कौन यहां पर हुआ था, और ऑब्वियसली यार ये जीएस की चीजें हैं, तुमको पता होनी ही चाहिए, ठीक है, इसको गो थ्रू करना। अब यहां देखते हैं हम लोग कि किस तरह से अपॉइंटमेंट होता है यहां पर गवर्नर्स का, ठीक है। गवर्नर के बारे में देखिए कि अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट अंडर द वारंट ऑफ हिज हैंड एंड सील, ठीक है, ये है, ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, ठीक है ना, मतलब पूरा प्रेसिडेंट का यहां पर वारंट है, उसका पूरा यहां पर होता है कि प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है, इट इज द वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील जो यहां पर अपॉइंट किया जाता है गवर्नर, ठीक है। आर्टिकल 155 जो है, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 155 जो है वो कहता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल 155 है वो कहता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द स्टेट की बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 155 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स क्या कि अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट होता है। अब ये कब तक रहेगा, कब तक रहेगा, देखिए उसका टेन्योर तो 5 साल का होता है, 5 ईयर का टेन्योर आपको देखने को मिलेगा, बट बेटा आप यहां देखोगे कि ही होल्ड्स ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के प्लेजर पे, आप देखो क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यहां पर ये है कि प्रेसिडेंट कभी भी इसको क्या कर सकता है, हटा देता है। इसलिए देखो अक्सर क्या होता है कि जैसे ही सरकारें बदलती हैं वैसे ही गवर्नर बदल जाते हैं, भले ही उसका टेन्योर 5 ईयर्स का है, बट ही इज होल्डिंग द पोजीशन एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो सरकारें क्या करती है, प्रेसिडेंट को ऑर्डर कर देती है, हटाओ भैया इस प्रेसिडेंट को। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई गवर्नमेंट अगर यूपी के अंदर है, या फिर मान लीजिए एमपी के अंदर रूल कर रही है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी है, फॉर एग्जांपल इस राइट नाउ एनडीए गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट, ठीक है, एमपी मान लीजिए कौन सी गवर्नमेंट है, मान लीजिए सेम गवर्नमेंट आ जाती है, सेम पार्टी की होती है, तो जब पहले सेम नहीं रही थी, तो जैसे ही सेम हटेगी पार्टी, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कांग्रेस हटती है एमपी से, तो जैसे ही वहां एमपी बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी, तो दिस इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, गवर्नमेंट जनरली ये करती है कि फिर वो अपने ही अपने प्रेसिडेंट को यहां पर ऑर्डर करती है कि एमपी के गवर्नर को चेंज करो। क्यों? क्योंकि अब क्या होता है, जब स्टेट में कोई बिल पास होता है बेटा, तो क्या होता है, स्टेट के में बिल पास होगा तो उसको गवर्नर के एसेंट चाहिए होंगे। अब सरकार किसकी है स्टेट के अंदर, फॉर एग्जांपल बीजेपी की सरकार है, अब क्या होगा, फॉर एग्जांपल मान लो कांग्रेस की सरकार है, अगर कांग्रेस का गवर्नर नहीं हुआ तो वो तो बिल को रोक सकता है ना, एक बार तो रोक ही सकता है। इसलिए ये सब रुकावटें ना आए, तो गवर्नमेंट का ये एक तरीका आजकल हो गया है, आयुष्मान, मतलब ये सब बातें जो है आपके संविधान में नहीं है, बट यस इन प्रैक्टिकलिटी क्या होता है, मैं चाहता हूं तुम लोग वो भी जानो, जनरली यहां पर ये चीजें होती है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस चीज को कि प्रेसिडेंट यहां पर टर्म ऑफ ऑफिस 5 ईयर्स का होता है, टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट इसको होल्ड करता है, और रेजिग्नेशन किसको देगा, प्रेसिडेंट को, भाई जो उसको अपॉइंट कर रहा है वही उसी को रिजाइन कर देगा, ठीक है, समझ में आ गया। एक सवाल इस पे करो, क्वेश्चन को, वीडियो को स्टॉप करो और ये सवाल करो, कर लिया होगा, देखो जरा इन कॉन्टेक्स्ट टू गवर्नर यहां पर स्टेटमेंट दे रखे हैं, बहुत शानदार स्टेटमेंट है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको डिस्कस करूंगा। देखिए पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि वन पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज गवर्नर फॉर टू स्टेट्स,
एक व्यक्ति जो है वो दो स्टेट्स के लिए यहां पर अपॉइंट नहीं हो सकता गवर्नर। पहला स्टेटमेंट, क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? दूसरा कह रहा है ही इज बाउंड, यानी गवर्नर इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्या ऐसा है? तो देखो यार, मैं तुमको बताऊं कि पहला स्टेटमेंट जो है ना कि वन पर्सन कैन नॉट बी, ऐसा नहीं है। एक पर्सन जो है, अगर कभी ऐसी सिचुएशन हालात बनते हैं तो वहां एक पर्सन को दो स्टेट्स का गवर्नर बनाया जा सकता है, याद रखिएगा ये पॉइंट। अब आप कहोगे सर गवर्नर पे सवाल आ गया था एनडीए में, कुछ भी पूछेगा क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट इतनी सारी है कुछ भी पूछ लेगा? अरे नहीं भैया, गवर्नर इतने सारे अपॉइंट हुए हैं स्टेट्स में, तो जाहिर सी बात है उस पर सवाल बनना, उस पर सवाल डेफिनेटली आ सकता है आपको। मैं आपसे जो जो करंट अफेयर्स कह रहा हूं बेटा ध्यान रखना, अगर वो करंट अफेयर में नहीं आया तो जरूर पॉलिटी या ज्योग्राफी में कहीं ना कहीं जरूर फंसेगा आपको। आपको देखने को मिलेगा सवाल गवर्नर पे, आपको देखने को मिलेगा सवाल स्पीकर पे, आपको लगेगा कुछ भी थोड़ी पूछेगा, सिलेबस तो इतना बड़ा है भाई। जाहिर की बात है सिलेबस इतना बड़ा है, सब नहीं पढ़ सकते हो तुम इतने कम टाइम में, वैसे भी नहीं पढ़ सकते हो, इसलिए वो चीजों को देखो जो करंट अफेयर में आता न्यूज में, बाकी पे भी फोकस करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं बाकी छोड़ के चले जाओ, बट यस कंसिडरिंग द टाइम जो तुम्हारे पास अभी है, अगर तुम्हारी तैयारी भी नहीं है तो मैं तुमसे कहूंगा कि उन चीज पे फोकस करो जो करंट अफेयर्स में ज्यादातर न्यूज में रही हो, ठीक है? तो पहला स्टेटमेंट वन पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड ये गलत हो गया, अपॉइंट हो सकता है, वन पर्सन कैन बी अपॉइंटेड, ठीक है? दूसरा, ही इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यस ही इज बाउंड, गवर्नर इज बाउंड, गवर्नर अपने मनमर्जी से नहीं कर सकता, तो यह स्टेटमेंट यहां सही हो गया। पूछेगा सवाल विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, बेटा बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है? आगे देखो, अब देखो यहां पर एक यहां स्कीम के बारे में, गवर्नमेंट स्कीम को लेकर या फिर इकोनॉमी के अंदर इसको देख लो, या आप गवर्नमेंट स्कीम के अंदर इसको रख सकते हो, मैंने इकोनॉमी के सेक्शन में रख दिया है। यहां पर क्या गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, क्या गवर्नमेंट ने यहां पर एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, इसको बोलते हैं हम लोग सीड मिनी किट प्रोग्राम। गवर्नमेंट ने ये लॉन्च कर दिया है सीड मिनी किट प्रोग्राम। अब ये सीड मिनी किट प्रोग्राम क्या है, अगले ही लाइन में आपको इसका आंसर दिया गया है, तो एक बार में याद कर लो कि ये सीड मिनी किट प्रोग्राम जो है ये बूस्ट करता है क्या प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस को, पल्सेस और ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन के लिए यह प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। अपने देश के अंदर ऑयल सीड का प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो, अपने देश के अंदर पल्सेस का प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो, उसको बूस्ट करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए सरकार ने यहां पर एक सीड मिनी किट प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है, ठीक है? तो अब तुमसे क्या क्या सवाल पूछ सकता है इससे रिलेटेड, पहले जान लेते हैं इसके बारे में कि ये सीड मिनी किट प्रोग्राम है क्या, फिर उसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे तो तुमको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो देखो यार, पहले तो तुमको बॉडी याद होनी, मिनिस्ट्री याद होना चाहिए, मंत्रालय, कौन से मंत्रालय की स्कीम है ये? तो यार सीड मिनी किट प्रोग्राम है, सीड मिनी किट प्रोग्राम ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की ये एक स्कीम है। ध्यान रखना कि आपको ये मंत्रालय का नाम भी कभी पूछने को आ सकता है कि कौन सा मंत्रालय है ये, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ये जो है ये इस स्कीम को यहां पर चला रही है, ठीक है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने इसको लॉन्च किया है, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव है क्या कि जो सीड्स हैं जो हाई यील्डिंग देंगे, ज्यादा उत्पाद, ज्यादा प्रोडक्शन कराएंगे, ऐसे सीड्स को यहां पर बांटा जाएगा, बांटा गया किसको, फार्मर्स को, ठीक है? फार्मर्स को बांटा गया। तो वही देखो यहां पर लिखा हुआ है, प्लीज रीड दिस लाइन, कि इट एम्स टू एक्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूट करना क्या, हाई यील्डिंग वैरायटीज, HYV, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, कौन कौन से, किसके किसके, ध्यान रखना ऑयल सीड्स और पल्सेस के, दो ही कैटेगरी के लेकर स्कीम है ये। देखो ऐसा तुम्हें लगेगा अरे सर ये तो नाम पढ़ के समझ में आ रहा है, तुमको एग्जाम में घुमा देगा वो किसी और सीड का नाम लिखकर। तुम्हें ध्यान रखना है बेटा यूपीएससी में यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, ठीक है? तो आपको ऑयल सीड्स को लेकर और दूसरा पल्सेस को लेकर, इनके सीड्स को यहां पर बांटा गया है, डिस्ट्रीब्यूट करने का ऑब्जेक्टिव था फार्मर्स को, ठीक है? तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर, ये न्यूज तब आई थी जब एग्रीकल्चर मिनिस्टर वर्चुअली एक मीटिंग, एक तरह से एक वीडियो कॉल कर रहे थे विद द फार्मर्स, जिनको यहां पर इस तरह के सीड्स को बांटा गया था, ठीक है? तो ये जो मिनी किट्स है, सीड मिनी किट, देख रहे हो मिनी किट, छोटी किट सीड्स की वो बांटी गई है HYV सीड्स की किसानों को। तो किसने किसने बांटी है, एक आपने नाफेड का नाम सुना होगा, ठीक है? आप लोग मुझे बताना इसका फुल फॉर्म क्या है, इसके बारे में गूगल करना, नाफेड के बारे में, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर ये बॉडी काम करती है, इसको गूगल करना। फिर उसके बाद नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन NCS,
यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है NAFED, इसलिए तुमसे कह रहा हूं इसको स्टार्ट कर लो, इसके बारे में जरूर पढ़ना कि मिनिस्ट्री कौन सी है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, कब बना था, इसका क्या काम है, ये सब चीज जरूर याद करना, ठीक है। नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन और गुजरात स्टेट सीड कॉर्पोरेशन, इन लोगों ने यहां पर क्या किया है, उन्होंने ये सीड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये जो स्कीम है, ये जो स्कीम आप देख रहे हो ना, ये सीड मिनी किट प्रोग्राम, ये जो भारत का एक बड़ा प्रोग्राम चलता है ना, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ये जो चलता है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ठीक है। तो ये इसके अंदर देखो, इट इज होली फंडेड बाय द गवर्नमेंट थ्रू द NFSM, NF नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। तो ये जो प्रोग्राम है सीड मिनी किट प्रोग्राम, ये आप देखोगे फुल्ली गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड है, गवर्नमेंट इसका पूरा पैसा देता है, होली फंडेड बाय दी गवर्नमेंट थ्रू व्हाट, थ्रू नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। तो आपको याद होना चाहिए कि जो सीड मिनी किट प्रोग्राम है ये नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के थ्रू फंड हो रहा है, ठीक बात है। इट इज होली फंडेड बाय दी गवर्नमेंट थ्रू दिस NFSM के अंदर ये प्रोग्राम, मिनी किट प्रोग्राम चलता है, ठीक है। एक ये डेटा आपको यहां पर गवर्नमेंट ने यहां पर दिया है, अंडर दिस नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन बेटा टोटल ऑफ इतना आप देख सकते हैं, इतना सीड मिनी किट्स ऑफ पल्सेस के इतने सीड मिनी किट्स, मोर देन 74,000 ग्राउंडनट के मिनी किट्स, 8,00,000 सोयाबीन सीड मिनी किट्स, ये सब प्रोवाइड किए गए थे फ्री ऑफ कॉस्ट डायरेक्टली टू द फार्मर्स। अब तुमको यहां पर कह सकता है कि जो सीड मिनी किट था ये एक रुपए पसेरी बेचा गया, ऐसा भी लिख सकता है। आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट बांटा गया था, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट ही बांटा गया। ऐसा नहीं कि आपको लगे कि हाँ ये राशन, आपको राशन दुकानों में बांटा गया, 2 रुपए किलो बांटा गया, ऐसा नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट टोटली यहां पर स्पेंड बांटा गया था, ठीक है। अब यहां पर ये क्वेश्चन है जो आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। तो इन कॉन्टेक्स्ट टू द सीड मिनी किट प्रोग्राम कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इन स्टेटमेंट को देखते हैं, क्वेश्चन को, वीडियो को स्टॉप करो, इस क्वेश्चन को करो, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कर लिया होगा, देखो जरा। इट एम्स टू इंक्रीज द, देखो कैसे यह क्वेश्चन घुमाएगा, प्लीज सी, आपने देखा सीड मिनी किट प्रोग्राम, आपको लगा बड़ा आसान है, अब देखो कैसे घुमाएगा स्टेटमेंट। इट एम्स टू इंक्रीज द फ्रूट कल्टिवेशन इन इंडिया, क्या फ्रूट कल्टिवेशन इंडिया बढ़ाने के लिए, नहीं भाई, ये पल्सेस और ऑयल सीड्स के लिए था। तो आपको लगेगा हाँ भाई कुछ तो इंक्रीज करने के लिए था, सीड मिनी किट में बीज दे देंगे, आम का बीज दे दिया, लीची का दे दिया, तो फ्रूट का प्रोडक्शन बढ़ गया। याद रखिएगा ये सीड मिनी किट प्रोग्राम ऑयल पल्सेस, ऑयल सीड के लिए और पल्सेस के लिए था, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट जो है, इट एम्स टू इंक्रीज द फूड कल्टिवेशन, गलत हो गया। इट इज स्पेसिफिक टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, क्या ये सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए अप्लाई होगा, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ऐसा स्टेटमेंट भी आ सकता है, क्या ये सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आपको ऐसा कुछ बताया भी नहीं, तो ऐसा कुछ है भी नहीं, ठीक है। तो इट इज स्पेसिफिक टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, नहीं, ये भी गलत हो गया। इट इज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, क्या इसको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने लॉन्च किया है, ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने ही लॉन्च किया है। तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, करेक्ट कौन सा है, तो बेटा इसमें 4 जो हो गया वो इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है ना, 4 जो है वो करेक्ट आंसर हो गया, सी इज ओनली दी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो यार ये हमारा करंट अफेयर जो था वो मैंने आपके साथ यहां पूरा डिस्कस कर दिया, ठीक है। कोशिश मैंने करी है कि जो मेन इश्यूज होंगे, आज थोड़ा सा स्टार्टिंग क्लास था, नेक्स्ट वाले क्लास में आई विल गेट मोर इश्यूज टू यू, ज्यादा इशू लेके आऊंगा, ये जुलाई को करंट अफेयर्स थे, तो कुछ और जो बचे हुए इश्यूज थे जुलाई के वो लेके आऊंगा, ताकि आपको जुलाई का करंट अफेयर्स जो इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, वो आपका कवर हो जाए। ना ही सिर्फ आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मुझसे पढ़ेंगे, बल्कि ऐसा कोई करंट अफेयर जिससे पॉलिटी, जिससे इकोनॉमी, जिससे गवर्नमेंट स्कीम्स, वो सब भी करंट अफेयर में होगा, लेकिन उसके साथ साथ जो फैक्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं, जो जीएसटी क्वेश्चन होंगे, जो एनवायरमेंट के क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, वो भी यहां पर कवर हो रहे होंगे, ठीक है। तो यहां पर हमारा ये लेक्चर आज खत्म होता है, होपफुली आपने एंजॉय किया इस लेक्चर का। आपको पीडीएफ, आप फिजिक्स वाला ऐप पे जाइए, वहां पर आपको शक्ति बैच मिल जाएगा, उसमें आप क्लिक करेंगे, वहां बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, वो सब्सक्राइब हो जाएगा और वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, पढ़ते रहिए, कीप द जोश हाई, जय हिंद।